चलिए दोस्तों नमस्कार गुड मॉर्निंग प्रभात कैसे हैं आप लोग सभी मिशन सक्सेस एंड अनजीत मीना जी अतुल कुमार राय सोनम मौर्याद निशु चौधरी अनिता शाहू ग्लोबल अपडेट्स मोहम्मद तसीम अंशु वर्मा अयोध्यावासी एंड अभी गुड इवनिंग बोल रही हैं आप हम आज सवेरे आए हैं गुड मॉर्निंग बोलिए एंड uh, सालनी शशि रावत पंची यादव अजय कुमार जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए आप सभी लोग फिर एक जो है महामैराथन ए पी एस के लिए स्पेशली ए पी एस के लिए जिसमें मैथ्स है बुक के नाम पुस्तकों के नाम है, हिंदी है एब्रीविएसन है और उसके साथ जो जैसे आर ओ में जो मेन्स में पूछा जाता है हिंदी टू इंग्लिश इंग्लिश टू हिंदी वो भी है सारी चीज़ें हैं जो है ठीक है आदित्य पांडे मार्क टेस्ट कौन सा लें आर ओ आर ओ के लिए जहाँ से सिलेक्शन हो जाए परीक्षा दृष्टि या पीसीएस वाला परीक्षा दृष्टि वाला पहले ले लीजिए आर ओ आर ओ के लिए और जो पीसीएस वाला है उसको हम यूट्यूब पर करा देंगे अभी कुछ दिन में जो है पहले आप इसको ले लीजिए जो आर ओ पे फोकस करते हैं परीक्षा दृष्टि वाला पहले ले लीजिए परीक्षा दृष्टि वाला पहले ले लीजिए आर ओ आर ओ पे जो फोकस कर रहे हैं पीसीएस वाला वो उसमें है हालांकि कबर दोनों हो जाएगा लेकिन पहले आप आर ओ आर ओ का ले लीजिए दैट इज बेस्ट और उसके बाद जो पी जो केवल पीसीएस दे रहे हैं वो पीसीएस वाला लें हालांकि दोनों फायदेमंद है जिनसे संभव है वो दोनों ले लें चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं तो क्लास की ज्यादा जरूरत है बिना क्लास के काम नहीं बनेगा सभी लोगों का स्वागत है सबको बहुत जो है सवेरे सवेरे ठंडी की सुबह है पढ़ाई में मजा आ जाएगा स्टार्ट करते हैं हम लोग जो है दो तीन चीजों पर हम पहले गौर करेंगे सबसे पहले हम हिंदी की चर्चा करेंगे और उसके बाद एवरिविएशन वगैरह है उस पर आएंगे फिर मैथ्स की एक लंबी क्लास होगी मैथ्स को छोड़ेंगे नहीं क्योंकि मैथ्स मैथ्स के बिना काम चलेगा नहीं तो इसलिए आप लोग तैयार रहिएगा मैथ पढ़ने के लिए भी चलिए हम लोग काम करते हैं और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पत्र लेखन की जरूरतें क्या हैं थोड़ी सी चर्चा हो जाए हम्म और उसकी आवश्यकता तो भाई पत्र लेखन की आवश्यकता क्यों है जन आम जनजीवन में चाहे वो व्यक्तिगत रूप से शादी ब्याह के निमंत्रण के बधाई के शोक संदेश कुछ भी होता है तो पत्र लिखते हैं इसी तरह शासन में काम करने के लिए सरकार में काम करने के लिए सरकारी पत्र होते हैं और सरकारी पत्र में ही कई और पत्र होते हैं जैसे जब सरकारी आप पत्र लिखते हैं जब शासन सत्ता में होते हैं या जब किसी सरकार का अंग होते हैं चाहे वो कोई भी हो क्लर्क से लेकर के आई तक हो तो उसको पत्रों के माध्यम से ही जनता की समस्याएं पता चलती हैं या पत्रों के माध्यम से ही सरकार के उच्चाधिकारी अपने अधीनस्थ को निर्देश देते हैं और जो है जो अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं उच्चाधिकारियों को अपनी सूचना देते हैं तो इस तरह से पत्र का महत्व चाहे वो स्कूल कॉलेज में हो स्टूडेंट uh, एंड uh, अपने प्रिंसिपल क्लास टीचर के बीच में व्यापारियों व्यापारियों के बीच में सगे संबंधियों के बीच में तो हर टाइप के पत्र होते हैं तो इसमें व्यक्तिगत पत्र भी आता है देख लेते हैं पर, अभी चर्चा हो जाती है तो फिर बात बनेगी ठीक है एक तो हो जाएगा आपका व्यक्तिगत पत्र सभी लोग जानते हैं पर्सनल लेटर जिसे व्यक्तिगत पत्र बोलते हैं अब थोड़ा आराम से रुकिएगा भागिएगा नहीं ये मत सोचिएगा कि जो है अननेसेसरी की चर्चा हो रही है वैक्तिक पत्र या व्यक्तिगत पत्र कह सकते हैं इनको व्यावसायिक पत्र व्यावसायिक पत्र होते हैं जल्दी जल्दी लिख दे रहे हैं राइटिंग पर बहुत ध्यान मत दीजिएगा अब बताते हैं आ रहे हैं मूल मुद्दे पर आ रहे हैं क्वेश्चन पर आ रहे हैं मूल मुद्दे पर आएंगे भागिएगा नहीं आज कोई हिलेगा नहीं यहां से ठीक है उसके बाद सरकारी पत्र आते हैं सरकारी पत्र आते हैं और अन्य पत्रों के बारे में आप लोगों ने सभी लोग जो प्रार्थना पत्र है शिकायती पत्र है सब जानते हैं आप लोग प्रार्थना पत्र शिकायती पत्र शिकायती पत्र ये सब आप लोग जो है जानते हैं कहाँ कैसे किसका यूज होता है वो अभी चर्चा होगी और सरकारी पत्रों में आप तमाम चीज जानते हैं सरकारी में एक जो है इसी का एक रूप कह सकते हैं अर्ध सरकारी भी है अर्ध शासकीय अर्ध सरकारी कह सकते हैं आप कार्यालय आदेश कह सकते हैं कार्यालय आदेश यहीं से क्वेश्चन बनेगा APS वाले नोट कर लें सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे यहाँ से केवल सुन भर लें क्लास को केवल सुन भर लें सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे हिंदी में एक भी बुक एंड राइटर भी लाया हूँ मिस्टर ज्ञान भंडार लाया हूँ सब लाया हूँ केवल हमारी क्लास को सुन भर लेंगे तो कवर हो जाएगा क्या APS की हिंदी पचास में पचास कवर हो जाएगी मैं इतना तो खैर ज्यादा हो जाएगा कहना लेकिन फोर्टी फाइव प्लस हो जाएगी अगर सुन लिया कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं केवल अगर ध्यान से सुन लिया तो गलत नहीं होने वाला हिंदी की क्लास में जो पढ़ाया गया है पर्यायवाची विलोम वो सब जो था वो तो पढ़ाया ही गया है वो आप लोगों ने हमारे ऐप पर देखा ही है बट जो ये जो पत्र लेखन संबंधी जो आपका जो क्या बोलते हैं जो एक गद्यांश होता है उसके प्रश्न का उत्तर देने में उस पर चर्चा होगी एब्रीविएशन की चर्चा होगी अन्य तमाम जितनी चीजें हैं उन सब पे चर्चा में हिंदी में तो पचास में पैंतालीस प्लस आ ही जाएगा उधर जीएस पार्ट में भी काफी कुछ कवर हो जाएगा तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है हिलिएगा नहीं पुनीत रंजन पांडे जी प्रणाम ऋतिका चौहान देवेंद्र कुमार वर्मा कृष्ण यादव वेरी गुड अतुल चौधरी बहुत सारे अजय आदित सब लोग आ गए अरुण नारायण ठीक है चलिए तो कार्यालय आदेश की बात आ रहे हैं धीरे धीरे मुद्दे पर आ रहे हैं पहले भूमिका बना लेने दीजिए और कार्यालय ज्ञाप की बात आएगी कार्यालय ज्ञाप लास्ट क्लास है आज एपीएस की जो है सब कुछ निचोड़ इसी में है लाएंगे और चीजें इसी में निचोड़ है कार्यालय ज्ञाप आएगा परिपत्र आएगा अधिसूचना आएगी सब पर चर्चा होगी एक तरफ से और सब पर आधारित क्वेश्चन भी कराए जाएंगे अधिसूचना उसके बाद आपका परिपत्र आता है ठीक है और टिप्पण आता है ये तो पत्र लेखन की सारी हो गई अब मोटी मोटी बातों पर चर्चा हो जाए जहां से आपको गलती ना हो फिर आप कराएंगे, आप लोग आंसर करेंगे। सारे इकट्ठा करके लाया हूं आप लोग उसका आंसर करते मैं आप तो जो लोग भाग रहे हैं देख करके कि अभी क्वेश्चन नहीं आया सिर्फ बातें हो रही हैं उनको थोड़ा रुकना चाहिए व्यक्तिगत पत्र आप सभी जानते हैं पिता पुत्र को पत्र पुत्र से पिता को पत्र दो सगे संबंधियों के बीच पत्र ये सब व्यक्तिगत पत्र के भी निमंत्रण पत्र ये सब व्यक्तिगत पत्र हैं व्यावसायिक पत्र किसी जो है किसी भी माल को मंगाने या भेजने के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं दो व्यवसायियों के मध्य यानी दो जो है प्रोफेशनल के मध्य जो पत्र लिखे जाते हैं वो तो सॉरी या व्यापारियों के मध्य ट्रेडर्स के मध्य जो पत्र लिखे जाते हैं वो व्यावसायिक पत्र होते हैं सरकारी पत्र सरकारी काम के लिए चाहे टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप जो सरकारी फॉर्मेट में लिखे जाते हैं जो सरकारी नियम आदेश जो है सूचना ये सब जो है जिस माध्यम से दी जाती है सरकार का सबसे प्रचलित रूप है चलाने का उसी उसी को शासनादेश या सरकारी पत्र कहते हैं तो ठीक है तो सरकारी पत्र हो गया अब सरकारी पत्र में और भी तमाम चीजें आती है अर्थ सरकारी कार्यालय ये भी उसी के एक तरीके से एक रूप है कब कहाँ कौन सा पत्र लिखा जाता है उस पर मैं आता हूं उस पर मैं आता हूं कब कहाँ आ रहा हूं बारी बारी से आ रहा हूँ मिस्टर भीमास्त्र जी जो आ रहा हूं सब पर तो उस पर एक प्रार्थना पत्र हो गया अगर स्कूल में आपको जो है आपको फीस माफ करवानी है प्रार्थना पत्र लिखेंगे छुट्टी मांगनी है प्रार्थना पत्र लिखेंगे आप जो है इवन शासन सरकार में जब रहते हैं तो आप छुट्टी मांगते हैं तो प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो और फिर शिकायती पत्र शिकायती पत्र लिखा जाता है अधिकारियों को आप कोई आपके मोहल्ले में कोई समस्या आपके गांव में कोई समस्या है आपको कोई निजी कोई समस्या है तो अथॉरिटीज़ को जो हम पत्र लिखें प्राधिकारियों को जो पत्र लिखते हैं वो शिकायती पत्र तो लिखेंगे ही आ रहा हूं सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे सुनते जाएंगे तो सब कुछ हो जाएगा आ रहा हूं बता रहा हूं एक एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन भी करूंगा हर चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा भागूंगा नहीं भागने वाला क्लास नहीं है आज ये लंबी मैराथन महरा, क्लास है जहां पर हर एक डाउट मैथ से लेकर के हिंदी से लेकर के इंग्लिश से लेकर हर चीज़ का डाउट क्लियर किया जाएगा जो आपके मन में डाउट हो पूछ लीजिएगा अतुल चौधरी टेस्ट ऑनलाइन है टेस्ट ऑनलाइन है मॉक टेस्ट है ले लीजिए जो है ठीक आगे बढ़ते हैं पीसीएस का टेस्ट लॉन्च हो चुका है मिस्टर अजय कुमार कहां रहते हैं आप यार देखिए टेस्ट सीरीज में जाके चलिए अब जो है एक एक पत्र पर चर्चा हो जाएगी अब जो है मेनली सरकारी पत्र पर चर्चा, पहले चर्चा हम लोग करेंगे सरकारी पत्र फिर आपको क्वेश्चन पर आएंगे धीरे धीरे क्वेश्चन पर आएंगे और आप ही जवाब देंगे मैं जवाब नहीं दूंगा और एक भी क्वेश्चन का गलत जवाब नहीं आएगा देखिएगा आप सब सही दे देंगे आप सब सही आंसर करेंगे कुछ बोल नहीं रहे सब शांत पड़े हैं लग रहा मैं ही बोलता हूं सब शांत पड़े सुन भी रहे हैं भाई की नहीं सुन रहे हो तो बोलिए ठीक है आ रहा हूं भीमास जी यू आर वॉचिंग माई वीडियोज फर्स्ट टाइम देन आई थिंक यू शुड हैव वॉच माई वीडियोज मच अर्लियर आपको पहे बहुत पहले से देखना चाहिए था और मैं अकेला एक ऐसा टीचर हूं जो हिंदी को थोड़ा अंग्रेजी में भी समझाता हूं तो हंसीएगा नहीं और बहुत गाली भी मत दीजिएगा ठीक है।, है अब आते हैं सर सबसे प्रचलित सरकारी या शासकीय पत्र पर आते हैं शासकीय पत्र जिसका फॉर्मेट जिसको कैसे लिखा जाता है ये सब बात हम बता चुके हैं जब हम आर का मेन्स जो रिटर्न पढ़ा रहे थे तो सब कुछ पढ़ा चुके हैं सब कुछ पढ़ा चुके हैं लेकिन अब हमें क्योंकि हमें करना क्या है हमें अभी एपीएस के लिए विशेष करके पढ़ना है तो सिर्फ सुन लेना है लिखने की कोशिश नहीं करनी है लिखने की जो है आदित्य पांडे कह रहे गहराई से सुन रहे हैं रजाई मिलेट की इतनी गहराई से मत सुनिएगा कि खो जाए और सो जाए और सपने में जो है दिखाई देने लगे क्लास शासकीय पत्र सरकारी पत्र इसके बारे में सुनिए सरकारी पत्र का वह रूप है जो सबसे प्रचलित रूप है अभी आएगा क्वेश्चन यही सेम क्वेश्चन आएगा सबसे प्रचलित सरकारी पत्र का प्रारूप है जिसके माध्यम से किसी नियम विनियम या सरकारी आदेश या कोई महत्वपूर्ण सूचना दी जाती है और ऐसा नहीं है कि केवल जो है आ, सरकारी पत्र अच्छा हाँ इसका जो शासकीय पत्र का एक, एक मेन बात है कि अगर कोई नियम विनियम की सूचना दी जाती है तो नाम नहीं टॉप टू बॉटम ही दी जाती है लेकिन कई बार इसी फॉर्मेट में नीचे से सूचना ऊपर भी जाती है ठीक है लेकिन जब कोई आदेश रहेगा तो वो आदेश जब रहेगा तो वो निश्चित तौर पर टॉप टू बॉटम ही रहेगा लेकिन उसके बदले में जो सूचना लौट के आती है या कोई सूचना मांगी जाती है तो नीचे यानी बॉटम नीचे से भी इसी प्रारूप में ऊपर भी सूचनाएं चली जाती हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा बट इसमें ज्यादातर टॉप टू बॉटम होता है साल अब इसका मतलब क्या हुआ शासकीय पत्र का सबसे प्रचलित रूप जिसके माध्यम से शासन कोई नियम विनियम आदेश देता है आदेश की सूचना देता है अनुपालन कराने के लिए या कोई सूचना मांगता है जो है तो और एक निश्चित प्राधिकारी ही इसको ऑथराइज होते हैं साइन करने के लिए और इसमें सिग्नेचर सबसे लास्ट में नीचे की तरफ होता है और सबसे ऊपर की तरफ यहां पर लिखी रहती है क्या पत्र संख्या आपको सब सिखाया गया है सब आप लोगों को बताया गया है पत्र संख्या सबसे टॉप पर राइट हैंड टॉप राइट हैंड टॉप पर पत्र संख्या लिखी रहती है वो आपको शायद बताया भी था हमने ऐसे लिखा रहता है संख्या संख्या मैंने बताया था जैसे चालीस 40... सॉरी कैसे चल रहा है भाई संख्या जैसे हो गया आपका फोर्टी डैश टू डैश थ्री डैश टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री इस टाइप से संख्या और उसके नीचे अंडरलाइन और सबसे नीचे यहां पर होता है आपका सिग्नेचर राइट टॉप बॉटम सॉरी बॉटम राइट में आपके सिग्नेचर होते हैं बॉटम राइट right में जो है सिग्नेचर होते हैं सबसे नीचे यहां पर सिग्नेचर हस्ताक्षर हस्ताक्षर और उसके आप नीचे जो है पदनाम होता है मान लीजिए विशेष सचिव हैं खास हस्ताक्षर यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे विशेष सचिव या प्रमुख सचिव जो भी लिखना होगा यहाँ पर रहेगा यहाँ पर रहेगा आपका भौदिये भौदिये और यहाँ पर सबसे नीचे यानी बॉटम जो है राइट में यहाँ पर सिग्नेचर होता है बस इतना समझ लीजिए फिर आगे आपकी बात पर बढ़ते हैं आगे और और दूसरी बातों पर आते हैं अभी जब क्लास आएगी तो मैं समझा दूंगा भाई जिन जिन लोगों ने जिन लोगों ने जो है पहले से लिया हुआ है पहले से पढ़ रहे हैं उनको सब कुछ फॉर्मेट पता है एक एक फॉर्मेट लिखवाया है इवन आप लोगों ने लिख करके हमें टेलीग्राम पर भेजा भी है और हमने उसको चेक भी किया है जो है तो ये सारी चीजें हो गई शासकीय पत्र के बारे में अब हम आते हैं थोड़ा थोड़ा बता के क्वेश्चन पर आ रहे हैं ना भाई क्वेश्चन पर आ रहे हैं बिना क्वेश्चन का आय बनेगी नहीं बात अब आते हैं अर्ध शासकीय अर्ध सरकारी अर्ध शासकीय पत्र अब आप लोग कहेंगे ये सरकारी पत्र है या नहीं है कि आप लोग ये हो सकता है आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन पूछ ले कि ये भाई अर्ध शासकीय पत्र सरकारी है या नहीं या घुमा के कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले तो आपको सीधा सीधा आंसर करना है कि सरकारी पत्र का ही रूप है ये क्या है ये सरकारी पत्र का ही ये एक रूप है जिसके माध्यम से सरकारी कामकाज के लिए ही ध्यान रखिएगा सरकारी कामकाज के लिए ही दो उच्च अधिकारी दो बड़े अधिकारी व्यक्तिगत भाषा में मित्रतापूर्ण भाषा में एक दूसरे से परामर्श मांगते हैं सूचनाएं मांगते हैं या किसी कार्य को जल्दी करवाने के लिए अनुरोध करते हैं यानी यह भी सरकारी पत्र का प्रारूप है जो थोड़ा मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है व्यक्तिगत भाषा में लिखा जाता है लेकिन सरकारी कामकाज के लिए ही लिखा जाता है जब एक विभाग से दूसरे विभाग किसी से काम लेना हो जल्दी करवाना हो उससे कोई विचार विमर्श करना हो ठीक है तो ये भी हो गया जो है हम्म बिल्कुल और इसके लिखने का भी जानते हैं आप लोग शुरुआत यहीं से होती है यहीं से मान लीजिए कोई भी नाम है मान लीजिए यहाँ पर रमेश कुमार है या सुरेश कुमार या कुछ भी लिख दीजिए जो है आप लिख दीजिए आपका नाम इसी में से किसी का नाम लिखते हैं प्रसून मौर्या मान लिख दिए लिख दिया गया प्रसून मौर्या।, मौर्या मौर्या और यहाँ पर लिख दिया गया संयुक्त सचिव आपको ज्वाइंट सेक्रेटरी हमने बना दिया संयुक्त सचिव और मान लीजिए यहाँ पर आपको इस तरह से होता है निशान या आप सब लोग जानते हैं यहां पत्र संख्या उत्तर प्रदेश शासन इस टाइप से तमाम चीजें लिखी रहती हैं फिर नीचे जिसको भेज रहे हैं उसका ये भेजने वाले का नाम है और जिसको भेज रहे हैं यहां पर लिखते हैं उसको यहां पर लिखते हैं सेवा में श्री श्री जो भी मान लो उनको लिख रहे हैं ये भी ज्वाइंट सेक्रेटरी है मान लो आशीष पांडे तो यहां पर लिख दिया सेवा में श्री यहां पर लिख दिया आशीष पांडे आशीष पांडे और यहां पर लिख दिया कि जो है जो भी मान ली ये भी आप संयुक्त सचिव आप भी हैं और लोक निर्माण विभाग जो भी है या कोई राजस्व विभाग या कोई अन्य यहां पर और सिग्नेचर सबसे जो है नीचे यहां पर जब ये पूरा लिख देते हैं यहां पर लिखा जाता है प्रिय महोदय यही है मित्रतापूर्ण भाषा प्रिय महोदय साग में बता रहे हैं क्योंकि एपीएस में लिखना नहीं है और यहां पर आपको लिखना होता है केवल केवल और केवल क्या नाम जो सॉरी जो है हस्ताक्षर कर देंगे यहां पर और पदनाम हस्ताक्षर और पदनाम बस मान लीजिए संयुक्त सचिव है तो यहां संयुक्त सचिव अब कहेंगे नाम क्यों नहीं लिखा नाम इसलिए नहीं लिखा नाम तो यही लिख उठा है ठीक है बस केवल हरताक्षर हरताक्षर रहेगा बस बस इतनी सी बात रहती है आगे हम लोग बढ़ते हैं जो है के पर वरिष्ठ अधिकारी कनिष्ठ अधिकारी को लिख सकता है कि नहीं आप एक जान लिए लिख सकता है लेकिन क्यों लिखेगा अपनी बेजती क्यों कराएगा भाई अपने बराबर के रैंक के अधिकारियों से मित्र लिख सकता है लिखते भी हैं लोग लेकिन इसका आशय है दो बराबर के अधिकारी एक दूसरे को जो है डीओ लिखते हैं इसको डेमी ऑफिस के लेटर लिखते हैं लेकिन अपने वरिष्ठ जो है से कनिष्ठ को लिखा जाता है बस रैंक का ज्यादा अंतर ना हो बहुत ज्यादा अंतर ना हो इतना से इतना अंतर ना हो बहुत बड़ा अंतर नहीं होना चाहिए अधिकारी का जैसे एक विशेष सचिव दूसरा संयुक्त सचिव एक प्रमुख सचिव दूसरा विशेष सचिव इस टाइप से मामूली अंतर एक रैंक के अंतर वाले को लिखिएगा दो तीन रैंक के अंतर वाले को नहीं लिख सकता लगभग बराबर के अधिकारी होते हैं लगभग बराबर के अधिकारी होते हैं चलिए अभी क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं फिर हम लोग अब देखिए लिखने का फॉर्मेट तो आज सिखाने का समय नहीं है नहीं तो अभी मैथ भी पढ़ाना है और तमाम चीजें पढ़ानी हो नहीं पाएगा अब जो है सुनते रहिए आज सुनने का समय है आज सुनने का समय है लिखने का और जो है पत्र लेखन का वो सुन लीजिए अब आ गए कार्यालय आदेश पर क्या कार्यालय आदेश कार्यालय आदेश पर हम लोग आ गए और कार्यालय ज्ञापन आएंगे कार्यालय आदेश के बारे में एक चीज आप लोग जान लीजिए जो है ऑफिस आर्डर कार्यालय आदेश इसके माध्यम से एक विभाग अपने अधीनस्थ कर्मचारियों अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनकी पदवृद्धि अवकाश की स्वीकृति चिकित्सा प्रतिपूर्ति या उनको उनके जो है इंटरनल ट्रांसफर यानी एक अनुभाग से दूसरे अनुभाग में ट्रांसफर या कोई विशेष कार्य सौंपने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है इसका प्रयोग किया जाता है और जिसको जारी होता है लेफ्ट साइड में उनके नाम यहां पर मान लीजिए तीन चार लोगों के तीन चार लोगों के एक साथ ड्यूटी लगाई गई मान लीजिए मैं अनुभाग अधिकारी हूं मेरे साथ दो तीन चार अनुभाग अधिकारी और हैं और सबकी ड्यूटी लगाई गई कि एतद द्वारा आज दिनांक इतना इतना से फलाना फलाना इनका या जो है निम्नलिखित ऐसे लिखा जाएगा द्वारा आज दिनांक इतना से निम्नलिखित अधिकारियों को निर्वाचन में तैनात किया जाता है निर्वाचन में निर्वाचन कार्य पूर्ण होने तक निर्वाचन अधिकारी के साथ संबद्ध किया जाता है अब यहां पर मेरा नाम लिख दीजिए यहां पर लिखा रहेगा ठीक है यहां पर मेरा नाम हो गया और यहां पर हमारे मित्र जो है कोई भी होंगे तो उनका नाम लिख दीजिएगा यहां पर लिखा रहेगा और यहां पर जो है तीसरे का नाम लिख रहा है लेफ्ट साइड में उनका जिनके बारे में जारी होता है ठीक है तो ये हो गया यानी इसके माध्यम से एक विभाग के अंतर्गत आने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को कोई विशिष्ट कार्य सौंपा जाता है पदिवृद्धि की सूचना दी जाती है आदेश दिया जाता है अवकाश की चिकित्सा प्रतिपूर्ति इस टाइप से चीजें हो गई तो मुझे लगता है कार्यालय आदेश इज वेरी मच क्लियर नाउ अब आप लोगों को कार्यालय आदेश क्लियर हुआ या नहीं हुआ बता दीजिए फिर आगे बढ़े बताइए कार्यालय आदेश क्लियर हुआ बताइए क्लियर हुआ अगर क्लियर हुआ तो आगे बढ़ें चलिए बताइए फिर आगे चलते हैं नहीं तो नहीं जो है आप लोग फिर अभी भागेंगे फिर बोरिंग क्लास लगेगी आपको फिर फिर अभी क्वेश्चन पर जब तक नहीं आएंगे आप लोगों को कुछ अच्छा नहीं लगेगा कुछ समझ में आए एक दो लोग कुछ समझ में आया हो तो ओके करिए नहीं तो फिर आ, आगे बढ़े अब आते हैं कार्यालय ज्ञाप पर कार्यालय ज्ञाप कार्यालय ज्ञाप कार्यालय ज्ञाप जो है ठीक है कार्यालय ज्ञाप भी बिल्कुल वही चीज है कार्यालय ज्ञाप कार्यालय आदेश में अंतर इतना है इसके माध्यम से एक विभाग से दूसरे विभाग को भी सूचना जाती है सामाजन सामान्य को भी सूचना देते हैं लिखने की शैली वही होती है कार्यालय ज्ञाप की यही होती है ये लगभग सूचनार्थ होता है कार्यालय ज्ञाप जो है एक विभाग से दूसरे विभाग को भी लिख सकते हैं जन सामान्य को भी उससे सूचना दी जाती है यही अंतर होता है भाषा और प्रकृति बिल्कुल सेम होती है बस कार्यालय आदेश के माध्यम से कार्यालय आदेश का पालन करना बाध्यकारी होता है जबकि कार्यालय ज्ञाप का पालन करना बाध्यकारी नहीं होता है कार्यालय आदेश का पालन आपने नहीं किया तो आपको सजा मिल जाएगी और कार्यालय आदेश कार्यालय ज्ञाप का पालन नहीं किया तो आपको कोई अनुशासनिक कार्यवाही संभव जो है नहीं होगी बट कार्यालय आदेश इज जो है कंपल्सरी एंड यू हैव टू जो है यू हैव टू फॉलो यू हैव टू जो है एग्री विद डेट ये होता है कार्यालय ज्ञाप में इसके माध्यम से भी एक जो है एक विभाग से दूसरे विभाग को तरह तरह की सूचनाएं दी जाती हैं कई कई बार जो है एक विभाग से दूसरे विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को अपने साथ अटैच कर लिया जाता है उनके संबंध में कोई सूचना दी जाती है जनसामान्य को भी सूचना दी जाती है तो लगभग प्रकृति यही है बसरते यह बात का अब परिपत्र आप सभी लोग आ जाइए परिपत्र पर आ जाते हैं परिपत्र जो है दो चीजों का ध्यान दीजिए परिपत्र एक होता है आपका शासकीय पत्र शासकीय पत्र शासकीय पत्र और कार्यालय ज्ञाप की बात आप लोग जानते हैं परिपत्र में मात्र यही अंतर है परिपत्र जिस रूप जो है एक ऐसा आ, सरकारी पत्र का एक ऐसा रूप है जिसके माध्यम से एक साथ कई अधिकारियों को कई कार्यालयों को एक ही सूचना सबको एक साथ दे दी जाती है परिपत्र जो है मान लीजिए शासनादेश है उसी में समस्त को लिख दिया गया है एक साथ कई कार्यालय या समस्त कार्यालय या आठ दस जिला जिलाधिकारी का नाम एक साथ लिख दिया गया है कि जिलाधिकारी आगरा जो है मथुरा फिरोजाबाद अलीगढ़ शामली मेरठ ये पूरा एक साथ तो एक एक से अधिक यानी कई अधिकारियों को या कई कार्यालयों को एक ही सूचना जब एक ही पत्र के माध्यम से दे दी जाती है या वो एक ही नियम बता दिया जाता है एक आदेश दे दिया जाता है तो उसे परिपत्र कहते हैं इसका भी परिपत्र के रूप में इस्तेमाल होता है और कार्यालय ज्ञाप का भी परिपत्र के रूप में इस्तेमाल होता है ठीक है तो बस केवल उसमें समस्त लिख दिया जाता है काम हो गया वो परिपत्र बन गया अब आते हैं अधिसूचना अधिसूचना कोई महत्वपूर्ण नियम कोई महत्वपूर्ण आदेश जब माननीय राज्यपाल या माननीय राष्ट्रपति महोदय महोदया की ओर से जारी किया जाता है तो जो है उसे अधिसूचना कहते हैं अधिसूचना जो है माननीय राज्यपाल या माननीय राष्ट्रपति की ओर से जारी की जाती है इसके माध्यम से जन सामान्य को, को कोई सूचना दी जाती है कोई नियम विनियम रूल्स रेगुलेशन जो की सूचना लोगों को तक पहुंचाई जाती है महत्वपूर्ण आदेश दिए जाते हैं और सरकारी गजट में प्रकाशित होता है ये जो है गजट में प्रकाशित होता है यही होता है अधिसूचना और कुछ नहीं है परिपत्र आप लोगों ने हम शायद दो बार लिख दिए परिपत्र आप लोग जान गए एक हमें लिखना था अनुस्मारक 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 क्या चीज होता है अनुस्मारक ये चीज होता है रिमाइंडर यानी अगर काम नहीं हो रहा एक पत्र भेजने से आपका काम नहीं हो रहा है तब आप रिमाइंडर करेंगे यानी फिर से लिखेंगे यानी अगर आपने सिंचाई विभाग के जो है मान लीजिए कितना कार्य पूरा हुआ बहराइच में अगर सिंचाई विभाग का कोई पुल बन रहा है तो शासन का सिंचाई विभाग ने एक शासनादेश जारी किया शासनादेश जारी किया कि मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया पुल में बनाने में फलाना फलाना जगह से जो आपके नहर पर पुल बन रहा है उस पर हुई कार्यों की प्रगति की जो है हमें रिपोर्ट दीजिए एक सप्ताह के अंदर नहीं आया रिपोर्ट की अगर नहीं आई तो क्या करेंगे आप तो लिखेंगे ना अनुस्मारक करेंगे ना तो सेम पत्र रहेगा बस ऊपर लिख देंगे अनुस्मारक अनुस्मारक यानी रिमाइंडर तो अनुस्मारक मतलब आपको याद दिलाया जा रहा है भैया कि आप कर दो जल्दी कर दो और नहीं तो उसके बाद फिर जो है सेकंड रिमाइंडर फिर आप कार्यवाही के लिए भी तैयार रहिए तो रिमाइंडर होता है अनुस्मारक और टिप्पणी आप जानते हैं जब कोई पत्र आता है तो सारे पत्रों को एक साथ बड़े अधिकारियों को निर्णय लेना होता है तो ऐसा तो है नहीं ये हजार पत्र रोज आए मान लीजिए सिंचाई विभाग में तो हजार पत्रों को मुख्य सचिव प्रमुख सचिव महोदय पढ़ेंगे तो कार्यालय स्तर पर जैसे आप आर हैं या आप ए बनने जा रहे हैं तो आप उसका पत्र उसको छोटा करके टिप्पणी प्रस्तुत करेंगे ऊपर यानी उसकी सार उसकी खास खास बातों को कम करके आप अपने उच्च अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे तो उस पर होती है उसको कहते हैं टिप्पणी टिप्पणी यानी एक लेटर बड़ा सा आया इसका आपने समझ करके पूरा पूरा ये लेटर मान लीजिए इतना बड़ा आया आप पूरा सब तो सब तो नहीं ले जाके इतना मोटा पत्र ले गए एक बंडल और साहब के सामने पटक तो देखो पढ़ो तो ऐसा तो होता नहीं है ना बड़े अधिकारियों के सामने आप ऐसा नहीं कर सकते ना तो आप उसके पत्र को जो है उसकी मूल भावना को छोटे में करके प्रस्तुत करेंगे जिससे कि उच्चाधिकारी या माननीय मंत्री महोदय निर्णय ले सके इसी को कहते हैं टिप्पणी जो कार्यालय से जाती है ऊपर की तरफ उसके बाद होती है एक अनुषंगिक टिप्पणी एक आनुषंगिक टिप्पणी होती है आनुषंगिक टिप्पणी यानी उसके साथ जब आप इतना सारा लिख देंगे जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया संयुक्त या संयुक्त सचिव या उप सचिव लिख दिया उप सचिव लिख दिया आपने यहाँ पर टिप्पणी लिख रहे हैं मान लीजिए कोई पत्र आया है जो है किसी ग, ग, कहीं से भी ग्राम जो है किसी ग्राम से आया है ग्राम ग्राम विकास का मान लीजिए ग्राम विकास के लिए कि उस ब्लॉक में ये ये समस्याएं हैं ये तमाम चीज़ें हैं कोई वहां का ब्लॉक प्रमुख लिखता है कि हमारे क्षेत्र में जो जो वीडियो आपके काम कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं ये इस इस, इस गांव में ये समस्या है घोटाला हो रहा है दुनिया भर की स्टोरी लिख देगा तो आप अपने उप सचिव को लिखेंगे उप सचिव कृपया कृपया विचाराधीन पत्र विचाराधीन विपत्र लिखते हैं उसको बी मतलब विचारापापा मतलब पत्र कृपया बी पा यानी विचाराधीन पत्र का अवलोकन करने कष्ट करें जिसके माध्यम से श्री फलाने ब्लॉक प्रमुख द्वारा अपने क्षेत्र की इन इन समस्याओं से अवगत कराया गया है समस्याएं निम्नवत हैं समस्या ये है कि ये यहाँ पर खड़ंजा सही से नहीं लगा यहाँ ये लगा तमाम कुछ घोटाले हुए हैं जिसकी जांच कराई जाने के लिए उन्होंने जो है अनुरोध किया है कृपया जो है इस पर निर्णय लेना चाहें या जांच कराया जाना उचित प्रतीत होता है तो ऊपर वाला अधिकारी उप सचिव महोदय और तो या प्रमुख को भेज देंगे प्रमुख साहब नीचे लिख देंगे जांच कमेटी गठित की जाए जांच कमेटी गठित करके रिपोर्ट जांच कमेटी गठित की जाए वो इतना आनुसंगिक टिप्पणी लिखेंगे गठित की जाए या अंग्रेजी में लिख प्लीज कॉन्स्टिट्यूट इंक्वायरी कमेटी तो ये आनुषंगिक टिप्पणी कहलाएगी जब प्रमुख साहब ऊपर वाले अधिकारी छोटा सा लिख देंगे तो उसे आनुसंगिक टिप्पणी कहेंगे तो टिप्पणी और आनुसंगिक टिप्पणी भी आप समझ गए होंगे अब आ रहा है ठीक है प्रतिवेदन वही प्रतिवेदन का मतलब यह होता है कि आप रिपोर्ट पेश करें जैसे जांच कमेटी हाँ, सही अच्छा किया आपने पूछ लिया जब जांच कमेटी गठित हो गई किसी मुद्दे पर घोटाले की जांच के लिए या किसी वित्तीय अनियमितता की जांच के लिए या अनुशासनिक कोई अनुशासनहीनता करता है उसकी जांच के लिए जब कोई कमेटी गठित होती है तो अपनी एक प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है यानी रिपोर्ट जो है बड़ी सी रिपोर्ट लगाएगा पूरी जांच करके रिपोर्ट पेश होती है उसी को प्रतिवेदन कहते हैं प्रतिवेदन जब आ जाता है उसके आधार पर निर्णय लिया जाता है ये सारी बातें लगभग लगभग क्लियर हो गई होंगी अब सीधे हम चलेंगे क्वेश्चन पर उसके बाद आपको हिंदी भी होगी इसी में इंग्लिश भी होगी मैथ्स भी होगा सब कुछ कराएंगे हम और अच्छे पत्र ले। अच्छा मान लीजिए एक क्वेश्चन आता है थोड़ा सा हम भूल रहे थे पत्र लेखन के आवश्यक तत्व तो क्या होते हैं तो मैं इसको बता दूं थोड़ा सा भूल रहा था कि जो है अब पत्र लेखन के तत्व हो सकता है पूछ ले आपसे क्या क्या तत्व होते हैं तो एक बार मैं थोड़ा सा दिमाग में रख भर दू आपके पत्र लेखन के तत्व तो क्या क्या होते हैं वो भी नहीं तो कहीं से क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया अगर एपीएस में तो आप लोग हो जाएंगे लोट पोट लोटपोट हो जाएंगे और ऐसा नहीं है आप लोग समझदार हैं लोट पोट नहीं होंगे लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि कुछ ना कुछ बताना कुछ ना कुछ बताना ये मेरी जिम्मेदारी है ये इसलिए मैं बता दे रहा हूं तो पत्र लेखन का उद्देश्य में पत्र लेखन के क्या क्या उद्देश्य हैं आवश्यक तत्व तो बता देता हूं पत्र लेखन के आवश्यक तत्व तो क्या क्या है आवश्यक तत्व तो। या ऐसे ही पूछ लिया कौन सा आवश्यक तत्व तो है या नहीं पत्र लेखन का आवश्यक तत्व तो क्या है ठीक है आवश्यक तत्व नंबर एक पत्र लेखन में कोई उद्देश्य होता है आप सही कर लीजिएगा जितना जल्दी लिखने की कोशिश करते हैं उतना जल्दी गड़बड़ होता है प्रत्येक पत्र लेखन का कोई उद्देश्य होता है बिना उद्देश्य के तो कोई पत्र लिखा नहीं जाता है दूसरा एक इसकी शैली होती है पत्र लेखन की एक अपनी शैली होती है कुछ भी ऐसे नहीं शुरू किया जाता है यानी एक फॉर्मेट होता है उसमर, उसी फॉर्मेट में लिखा जाता है तीसरा एक भाषा भाषा अगर पत्र लेखन की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाषा सरल और सुस्पष्ट बोधगम्य होनी चाहिए भाषा पत्र की कभी कठिन नहीं होनी चाहिए क्लिष्ट नहीं होनी चाहिए साहित्यिक नहीं होनी चाहिए भाषा सरल सरल संदर्भ के लिए सरल बोध के लिए और स्पष्ट होनी चाहिए भाषा होती है शैली होती है और उद्देश्य होता है और भैया इसमें क्या क्या खास बात होती है मैं थोड़ा सा एक नोट किया हूं एक बार एक मिनट के लिए देख नहीं छूटे ना कोई शिष्टाचार और व्याकरण की भी चर्चा होती है शिष्टाचार और व्याकरण शिष्टाचार और व्याकरण शिष्टाचार भाषा हमेशा पत्र की शिष्ट होती है आप एक अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं एक कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं तो पत्र लेखन की भाषा हमेशा शिष्ट होनी चाहिए हमने शासन में देखा है हम तो यहीं पर मान लीजिए अनुबाग अधिकारी हैं आप लोग भी आएंगे ए पी एस के या जो है आप आर ओ के जो भी बनकर आएंगे आप भाषा में हमेशा शिष्टाचार होना चाहिए भले आप उसके खिलाफ जांच कर रहे हो भले ही वो आपका अनुसेवक यानी चपरासी क्यों ना हो लेकिन लिखा जाएगा श्री जो है फलाना फलाना के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही की जाती है अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की जाती है या श्री फलाना फलाना को इतने से निलंबित किया जाता है यानी अगर आपको अपने चपरासी को भी निलंबित करना है तो श्री लगा के उसका नाम लिख करके करेंगे और नीचे जो है ये लिखा रह जाता है नॉर्मली सामान्य पत्रों में कृपया ये ये कराने का कष्ट करें कृपया लगा रहता है इसको करा कृपया ये कराने का कष्ट करें भले ही आप शासकीय पत्र लिख रहे हैं उसकी भाषा थोड़ी आदेशात्मक होती है लेकिन उसमें ये उसको आपको मैंने बताया भी लिखा रहता है कि मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया ये ये कराने का कष्ट करें यानी भाषा में हमेशा निश्चित तौर पर शिष्टाचार होना ही चा, चाहिए ठीक है औपचारिक भाषा होनी चाहिए औपचारिक प्रसून मौर्य औपचारिक भाषा होनी चाहिए ये भाषा शैली में लेकिन इतनी औपचारिक ना हो कि समझ में ना आए औपचारिक तो होनी चाहिए सरकारी पत्र लिख रहे हैं तो निश्चित फॉर्मल योर लैंग्वेज सुजमी वेरी मच फॉर्मल बट इट सुड नॉट बी इट शुड नॉट बी सो हार्ड इट्स शुड नॉट बी सो हार्ड दैट इज कॉमन कैन पीपुल केन नॉट अंडरस्टैंड ही शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड ईजिली आपकी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए व्याकरण होना चाहिए व्याकरण अगर आप शासन सत्ता में बैठे हैं सरकारी हैं तो आप व्याकरण युक्त भाषा का प्रयोग करेंगे बिना व्याकरण वाली भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे ऐसा नहीं कि कुछ भी लिखेंगे तो शासन सत्ता की पूरे की बदनामी होगी कि वहाँ बैठे हुए लोग कुछ नहीं जानते ऐसा लोग कहेंगे इनको लिखना नहीं आता एपीएस बन के जाएंगे आर बन के जाएंगे सीधे मुंह पे बोल देंगे लोग इनको तो लिखना तक नहीं आता है ना तो ऐसा नहीं होना चाहिए अब आते हैं हम आपको अब तमाम चीजें हो गई हाँ एक चीज और है फोन भी तम कौन फोन किए जा रहा है मैं जस्ट एक सेकंड के लिए क्लास चल रही है बाद में करिएगा लाइव क्लास है लाइव क्लास है इसी को विशेषताएं भी कह सकते हैं पत्र की विशेषताएं भी ये कह सकते हैं इन्हीं को विशेषताएं कहते हैं यार कौन है भाई लाइव क्लास है बाद में कर लीजिएगा लाइव क्लास है प्लीज लाइव क्लास चल रही लाइव क्लास चल रही बाद में कर लीजिएगा विनम्रता शिष्टाचार भाषा शैली सरल सुबोध बोधगम्य ये सारी चीजें होनी चाहिए व्याकरण युक्त होनी चाहिए ये आपकी विशेषताएं भी हो गई और ये आपकी आवश्यक तत्व भी हो गए ये सारी चीजें आप लोग जान लीजिए अच्छा एक और इसमें विशेषताओं में कह सकते हैं संक्षिप्तता होनी चाहिए संक्षिप्तता संक्षिप्तता का मतलब ये होता है कि अनावश्यक विस्तार नहीं होनी चाहिए अनावश्यक विस्तार ना हो इतना लंबा लंबा लेटर नहीं लिखना है शासन सत्ता में टू द पॉइंट टू द पॉइंट अपनी बात को रखना है अनावश्यक विस्तार नहीं देना यानी पत्र संक्षिप्त होना चाहिए गर्भित होना चाहिए मतलब की चीजें होनी चाहिए ना कि आपको इतना बड़ा लिख दीजिए कि अनावश्यक विस्तार हो जाए जो है ठीक है अब हम लोग आते हैं सीधा कहां पर क्वेश्चन पर क्वेश्चन पर आते हैं और ढेर सारा लंबा है सब टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे हर एक टाइप के क्वेश्चन इसमें मिलेंगे आपको चलिए पुस्तक के नाम है लेटेस्ट अभी हाल फिलहाल में जो पुस्तकें आई हैं उनके नाम है आप लोग देख लीजिएगा इसकी पीडीएफ आपको ऐप आप पर डाल दी जाएगी ऐप पर मिल जाएगी आप चिंता मत करिएगा एप्लीकेशन पर आप जो है इसको ले लीजिएगा पुस्तक का नाम है अगेन एंड अगेन किसने लिखा है जोनाथन एविशन जोनाथन एविसन अभी हाल फिलहाल की पुस्तकें हैं नई पुस्तकों के नाम है ये कामन यट अनकामन कामन यट अनकामन सुधा मूर्ति की पुस्तक है सुधा मूर्ति जी की पुस्तक है अगेन एंड अगेन जोनाथन एविशन की पुस्तक है ट्रेटर्स गेट ट्रेटर्स आप लोग जानते हैं ना जिसको विश्वासघाती बोलते हैं देशद्रोही कह सकते हैं इस टाइप से ट्रेटर्स ग्रेट जो है गेट लिखा है जेफरी आर्चर ने जेफरी आर्चर ने लिखा है ट्रेटर्स गेट तो कुछ जो है विदेशी राइटर्स की इसमें पुस्तकें हैं और देसी यानी अपने देश के इनको आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन आ गया आ गया क्वेश्चन मिस्टर पुनीत रंजन पांडे क्वेश्चन पर आ गए हम जो है अब देखिए री पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ अजकाबन एंड अज का पुस्तक है पुस्तक है आप लोग देख याद कर लीजिएगाइस माइकल लुइस की पुस्तक है गोइंग इन फाइनाइट इज दिटन बाई माइकल लुइस एंड रोमन स्टोरी पुस्तक है झुम्पा लाइली की यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जब भी कोई इंडियन जो है कोई राइटर होता है और उसकी महत्वपूर्ण पुस्तक आती है जैसे कामन एड कामन हो गई सुधा मूर्ति जी की और रोमन स्टोरीज हो गई झुम्पा लाहरी की ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जब इस टाइप के क्वेश्चन कुछ आते हैं अब आप लोगों में से कोई कुछ नहीं बोल रहा है तो मुझे लग रहा है कि सब जो है या तो गए या तो फिर जो है जवाब नहीं बिल्कुल मग्न हो गए हैं या ध्यान से या अच्छा नहीं लग रहा बोर हो गए हैं लग रहा होगा क्या बोले जा रहे हैं क्या बोले जा रहे हैं अभी आ रहे हैं क्वेश्चन पर आ रहे हैं ठीक है और अब अगली जो है ये है द लास्ट ऑफ द फ्लावर ब्राइड द लास्ट टेल ऑफ द फ्लावर ब्राइड रोशनी चौकसी की पुस्तक है रोशनी चौकसी की पुस्तक है द लास्ट टेल ऑफ द फ्लावर ब्राइड ये भी हाल फिलहाल की पुस्तकें हैं हाल फिलहाल की पुस्तकें हैं जो है ठीक है आते हैं क्वेश्चन पर भी आते हैं डायरेक्ट सब टाइप के क्वेश्चन लाए हैं क्योंकि जो है लंबी क्लास होनी है और लंबी क्लास होनी है और पूरा का पूरा हर टाइप का जो है ठीक है ठीक है अच्छी बात है नीलम सिंह सालनी और निशांत शशि रावत प्रसून आशीष अजय जय बिल्कुल सही आप आगे सिंह पुनीत रंजन अनीता साहू जी आप जो है आप फ़ोन की थी मैं उठा नहीं पाया आप बाद में कर लीजिएगा ठीक है शशि रावत लड्डू भाई लड्डू नाम है आपका आप जो है भेजे नहीं लड्डू हमको लड्डू भेजिएगा हमें लड्डू को बहुत शौकीन है एलन मस्क की पुस्तक का नाम है एलन मस्क ने लिखा है जो है वाल्टर इशाकसन और सुभाष चंद्र गर्ग जी की पुस्तक है नहीं सॉरी एलन मस्क की पुस्तक नहीं एलन मस्क नाम से लिखा है पुस्तक एलन मस्क पुस्तक का नाम है एलन मस्क पुस्तक का नाम है लिखा है वाल्टर इसाक्सन ने एलन मस्क इज द नेम ऑफ द बुक एंड मस्क वाल्टर इशाकसन द बुक एलन मस्क सुभाष चंद गर्ग सुभाष चंद्र गर्ग जी ने लिखा है कि बी आल्सो मेक द पॉलिसी किसने लिखा है ये क्या लिखा है बी आल्सो मेक पॉलिसी एंड स्मोक एंड एसेस लिखा अमिताभ घोष ये भी अच्छी पुस्तक हो गई ये आर के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है आर ओ की इंपॉर्टेंट है जितना की एपीएस के लिए तो क्या है स्मोक एंड एसेस यानी धुआं और आख ये सब तो लिखा है मिस्टर अमिताभ घोष जी ने अच्छी पुस्तक है यू मस्ट नो योर कॉन्स्टिट्यूशन फाली एस नरिमन महा बहुत बड़े कानूनविद इनकी भी इनकी पुस्तक अभी हाल फिलहाल में आई है तो अच्छा लगेगा आप लोग इसको अगर जो है याद कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा यू मस्ट नो योर कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटर्न बाई फाली एस नरिमन ये आपके आर में भी इंपॉर्टेंट बुक है आर के लिए भी इंपॉर्टेंट बुक है हम्म ठीक है और द एक्सचेंज पुस्तक लिखी है जान ग्रीसम ने जान ग्रीसम ने कौन सी पुस्तक लिखी है जान ग्रीसम ने लिखी है कौन तो पुस्तक द एक्सचेंज अब हम लोग दूसरे टॉपिक पर आते हैं अगला टॉपिक देखिए शायद पुस्तक का नाम है या कुछ और है पुस्तक का नाम ही है अभी अंबेडकर ए लाइफ राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट शरूर की पुस्तक है ये आपको ऐप पर मिल जाएगी टेलीग्राम पर भी हम इस पीडीएफ को शेयर कर देंगे और एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगी आपको जो लोग एप्लीकेशन पर नहीं जा सकते हैं नहीं तो आपको हम टेलीग्राम पर देंगे जो लोग जुड़े हैं अम्बेडकर लाइव राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट ये शशि थरूर की पुस्तक है नाइट वॉचमैन विनोद राय जो रह चुके हैं सी ए जी सी बी सी सी ए जी क्या रह चुके हैं ये विनोद राय ये सी ए जी रह चुके हैं ठीक है तो विनोद राय की पुस्तक है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नवदीप सिंह गिल ने लिखी है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा लिखी है नवदीप सिंह गिल ने किरण बेदी जी ने लिखा है फियरलेस फियरलेस गवर्नेंस गवर्नेंस इज किरण बेदी और स्मृति ईरानी ने लिखा है लाल सलाम एक उपन्यास स्मृति ईरानी की पुस्तक है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जिनको आप सभी जानते हैं कोई ऐसा नहीं होगा जो नहीं जानता होगा होम इन द वर्ल्ड अमर्थ सेन होम इन दर्ड अमर सिंह निशांत कंप्यूटर हमारे ऐप पर खूब चली है क्लास कंप्यूटर चली है बहुत ऐप पर हमारे कम नहीं हुआ है आगे आते हैं लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ टूथ एस टू थाउजेंडी थाउजेंड ट्वेंटी टू सलमान रसदी की पुस्तक है लैंग्वेज ऑफ टूथ द हिंदू वे एन इंट्रोडक्शन द हिंदुज्म शशि थरूर ने लिखा है द हिंदू एन इंट्रोडक्शन टू ये लिखा है Hinduism, ये लिखा है शशि थरूर ने और एग्जाम वॉरियर्स हमारे प्रधानमंत्री जी की पुस्तक है नरेंद्र मोदी जी की एग्जाम वॉरियर्स अगली पुस्तक है माइंड मास्टर विश्वनाथन आनंद की ये भी देख लीजिएगा एग्जाम वॉरियर्स क्योंकि प्रधानमंत्री जी की पुस्तक है पूछ सकते हैं बिल्कुल ठीक है आगे आते हैं ऑफ इंडिया की है। इस रिटेन बाई अब आते हैं हम लोग कुछ और पुस्तकों पर बहुत ज्यादा तो नहीं है ज्यादा नहीं आ रहे हैं कंप्यूटर एब्रीवियन पर भी आ रहे हैं देख आते हैं आप भागिएगा नहीं कुछ लोग जो है अप भाग जाएंगे कहेंगे इतनी सारी पुस्तकों के नाम ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में इसमें आ सकती है हम टेलीग्राम पर भी दे देंगे ऐप पर है तो वहां भी दे देंगे आप भागी नहीं कोई इसको ध्यान से सुनिएगा माय लाइफ माय मिशन रिटर्न बाय बाबा रामदेव एलाइट ऑफ एशिया जयराम रमेश भारत टू राजीव महर्षि की पुस्तक है दिस इज अमेरिका डे जो बाइडन की पुस्तक है ये ये भी इंपॉर्टेंट है बड़े बड़े लोग लिखते हैं तो अपने आप ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अपने आप ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ठीक है तो अगर आप लोग परमिशन दे तो मैं थोड़ा पानी पी लू तो बस जस्ट एक सेकेंड की परमिशन दे दीजिए तो काम हो जाएगा कहाँ गया कुलदीप कुलदीप कहाँ गया हाँ। कोई बात नहीं आप लोग थोड़ा सा रुक जाइएगा थोड़ा सा रुक जाइएगा बस नहीं, नहीं 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 बंद नहीं करना है क्लास चलेगी पानी पी रहा था बस और कुछ नहीं <स्थिक्ष्थ> <स्थिक्ष्थ> चलिए आगे क्वेश्चन पर आते हैं द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट अंग्रेजी में को हिंदी में करते तो और परेशानी हो जाती है बिल्कुल द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट दलाई लामा की पुस्तक है यह भी अच्छा क्वेश्चन है मेरी जीवन यात्रा एपीजे अब्दुल कलाम की है अप्रामिस्ड लैंड बराक ओबामा की है वन अरेंज मर्डर चेतन भगत की है कुछ पुरानी पुस्तकों के नाम इसमें जो है पूछा जा सकता है हाँ रेखा वर्मा मुझे कह रही है, मुझे आपसे कुछ बोलना है सर अभी बोल दीजिए या फ़ोन से बता दीजिए जो आपको मर्जी हो रेखा वर्मा जी आप बोलिए आराम से और कोई दिक्कत नहीं है और आ, कुछ शायद आप लोगों का कुछ था थोड़ा सा मैटर उसको मैं कुछ कुछ समझा हूँ बात कर लेता हूँ जब कहेंगे आप बता दीजिएगा बोलना हो तो इसी बोल दीजिए नहीं तो फ़ोन कर लीजिएगा हाँ, यूपी टू यूक्रेन अभिषेक उपाध्याय की पुस्तक है यूपी टू यूक्रेन अभिषेक उपाध्याय की पुस्तक है सोशलिस्ट मुलायम सिंह यादव फ्रेंक हुजूर अनुवाद जो है किया अनुवाद इसका किया है लिखा है फ्रेंक हुजूर ने सोशलिस्ट मुलायम सिंह यादव ये फ्रेंक हुजूर ने लिखा है अनुवाद किया है नीरज कुमार ने इसका स्पेयर लिखा है प्रिंस हैरी ने स्पेयर किसने लिखा है प्रिंस हैरी ने लिखा है द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर अभय के अभय कुमार ने लिखा है द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर लिखा है अभय कुमार ने अभय के लिखा है सनराइज ओवर अयोध्या ये सब किताबें अच्छी हो गई इस समय सनराइज़ ओवर अयोध्या सलमान खुर्शीद की पुस्तक है द स्ट्रगल फॉर इंडियाज सोल इंडियाज सोल इन्होंने लिखा है शशि थरूर ने द स्ट्रगल फॉर इंडियाज द स्ट्रगल फॉर इंडिया लिखा है शशि थरूर ने एंड इंडोमिटेबल लिखा है अरुंधति भट्टाचार्य ने राइटिंग फॉर माई लाइफ लिखा है रस्किन बाढ़ ने राइटिंग फॉर माई लाइफ लिखा है रस्किन बान ने और प्रियंका चोपड़ा जोनास ने लिखा है अनफिनिश्ड ए मेमोयर अनफिनिस्ड मेमोयर इज रिटर्न बाई प्रियंका चोपड़ा मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 चांदमल कुमावत ने लिखा है मोदी इंडिया कॉलिंग चांदमत कुमावत ओके रेखा वर्मा जी आप परेशान ना हो पढ़िए ब्यूटीफुल थिंग्स <laughs> ब्यूटीफुल थिंग्स हंटर बिडेन की पुस्तक है नेवर नेवर पुस्तक है कॉलिन हुन सिफिसर की दो लोग हैं नेवर नेवर लिखे हैं कॉलिन एंड बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कमला हैरिस की पुस्तक है कमला हैरिस नाम है कमला हैरिस नाम है फिनोमिनल वुमेन लिखा है चिदानंद राजघट्टा ने कमला हैरिस और जो और फिनोमिनल वूमेन ये लिखा है चिदानंद राजा ने द पीपुल लीडर लिखा है विवेकानंद झा ने ये पुस्तक अब आते हैं सीधा एब्रीविएशन पर एब्रीविएशन पर आ जाइए सभी लोग कंप्यूटर एंड एब्रीविएशन पर आ जाते हैं रेखा जी आप परेशान मत होइए पढ़ाई पर ध्यान दीजिए बिल्कुल ध्यान मत दीजिए इन चीजों पर पढ़िए सिर्फ पढ़िए आप यू आर गुड स्टूडेंट आप पढ़िए परेशान मत होइए ठीक है साहित्य ज्ञान टेक्निकल पीसीएस की टेस्ट सीरीज है फाइव डबल नाइन में भाई और जिसको भी लेना है वो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए सिक्स थ्री नाइन टू जीरो एट टू सिक्स वन फाइव पर या कुछ मत मतकाल इस पर व्हाट्सअप करके लिंक मिल जाएगा लिंक से सिंपली भाई पी पी डाउनलोड कर लीजिए टेस्ट सीरीज में जाइए टेस्ट सीरीज से परचेज करिए नहीं तो कुछ मत व्हाट्सअप करिए सिर्फ आप प्ले स्टोर पर जाइए यस आई एम पी एल आई सिंपली एफ वाई फाई पी एस सी ये आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए टेस्ट सीरीज में जाइए ले लीजिए फाइव डबल नाइन है आगे बढ़ते लो, हम लोग हम लोग आगे बढ़ते हैं चलिए हाँ कंप्यूटर के एब्रीबियशन का है मामला देखा जाए कि क्या है फुल फॉर्म एब्रीबियशन आता है आपके कहां पर आएगा इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं पूरे चांस है आने के उसको आप लोग देख लीजिएगा ए सी एडवांस ऑडियो कोडिंग ए ए सी मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड ये सारे एब्रिविएशन है एडवांस अच्छा नंबर नहीं दिख रहा है आप देख लीजिए सिक्स थ्री नाइन टू जीरो एट टू सिक्स वन फाइव और ये फाइव डबल नाइन उसका प्राइस है पीसीएस वाली सीरीज का ये नंबर दिख गया होगा आई थिंक आपको दिख गया होगा ठीक है आई थिंक दिख गया होगा ओके। चलो ये समय जो है पढ़ने का है इसमें जी जान से पढ़ लीजिए और बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट मत होइए ध्यान को इधर उधर मत बटाइए नहीं तो हो जाएगा बहुत बड़ा नुकसान पढ़ने का समय है बहुत कम दिन बचे हुए हैं इसीलिए आज एक बड़ी क्लास हम एपीएस पी एस के लेकर आए जिसमें थोड़ा आर को भी फायदा है और एपीएस को भी है दोनों के लिए लेकर आए हैं इसको आप पढ़ लीजिए और पढ़ने का टाइम है अब इकट्ठा बहुत ख़ास खास चीज़ें आप लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं इनको ध्यान से पढ़िए अभी भी नहीं दिखा यार साहित्य ज्ञान भाई अब आप सिंपलीफाई यू पी ऐप जो है डाउनलोड कर लीजिएगा तमाम हमारे ऐप पर यूट्यूब पर जाइएगा कहीं ना कहीं आपको नंबर मिल जाएगा ए बी आर क्या है एवरेज बिट रेट एवरेज बिट रेट ए एस डी एल क्या है एसीमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन ए एस डी एल क्या होता है एसेमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन ए बी आर एवरेज बिट रेट ए जी पी क्या होता है एडवांस ग्राफिक्स पोर्ट एडवांस ग्राफिक्स पोर्ट होता है आपका ए जी पी ए आई क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है सभी लोग जानते हैं ए आई कितना फेमस है ए आई सिटी भी बन रही है लखनऊ में सब लोग जानते हैं अब हम लोग आते हैं अगली चीजों पर ये ये तो वही है हमें लग रहा है फिर आगे आते हैं यहां पर हम लोग बी एच टी एम एल बी एच टी एम एल यानी ब्रॉडकास्ट फॉर बी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वही एस टी एम एल में बी लगा दिया क्या फर्क पड़ता है एस टी एम एल में बी लगा दिया क्या फर्क पड़ता है हो गया काम हम्म तो ब्रॉडकास्ट हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और बी आई ओ एस क्या होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम सभी लोग जानते हैं बी आई ओ एस सभी लोग जानते हैं राजीव कुमार कह रहे हैं इससे फ्री निकल सकता है कि नहीं भैया गारंटी तो इस जीवन की भी नहीं गारंटी लेके कोई काम हम नहीं करते हमारा प्रयास रहता है कि इससे आपका काम हो जाए ना मैं पेपर लीक करता हूं और ना मैं लोक सेवा आयोग का मेंबर हूं और ना ही उस लेकिन लगभग वो चीज़ें लेकर आते हैं जहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाए भैया जो है निकल सकता है कि नहीं गारंटी लेंगे कि नहीं ये सब चीज़ों में हम कभी पढ़े नहीं और एक बात मैं बहुत थोड़ी सी टफ़ कहूँगा जो आप बुरा मत मानिएगा हम आप या जो है स्टूडेंट्स माँ बाप पढ़ाते हैं बीस साल पच्चीस साल तीस साल पैंतीस साल और लाखों रुपए हमारे ऊपर फूंक देते हैं और हमने कभी उनको गारंटी दी कि आप जो रुपए हमें हमारे ऊपर फूंक रहे हैं हंसते हंसते मैं एक दिन ये बन कि मैं गारंटी देता हूँ ये एक बन करके आपके सामने आऊँगा हम अपने माँ बाप को गारंटी नहीं दे पा रहे हैं तो किस चीज़ की गारंटी हम दें लेकिन प्रयास है मैक्सिमम स्कोर करने का जहाँ तक आपको वहाँ तक ले जाने का एक प्रयास है जहाँ सफलता की उम्मीद है आपको और हम वहां तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और आप सफल भी होंगे गारंटी जैसा कुछ मत बात किया कीजिए यह मुझे कम अच्छा लगता है सर ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं ऑनलाइन है अभिषेक पांडे ऑनलाइन ऐप पर जाइए बुक मिल जाएगी फिर आता है बी आई पी एस बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड फिर आता है बी आई यू बस इंटरफेस यूनिट बस इंटरफेस यूनिट बी एम पी क्या है बिट मैप मैप बी आर डी क्या है बी आर डी क्या है ब्लू रे डिस्क ब्लू रे डिस्क ब्लू रे डिस्क अब आते हैं आगे ये शायद वही है आगे बढ़ते हैं सीसी क्या होता है कार्बन कॉपी सीसी जो लिख देते हैं जब हम आप मेल करते हैं सीसी लिख देते ना ठीक है आते हैं कार्बन कॉपी फ्री के बाद जो है तीन महीने मेंस के मिनिमम मिलते हैं तीन साढ़े तीन महीने सीसी है कार्बन कॉपी सीडी है कंपैक्ट डिस्क सीडीआर है कंपैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल कंपैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल सीडीआर सीडी रोम किसे कहते हैं कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी कंपैक्ट रीड वनली डिस्क राइट वंस कंपैक्ट डिस्क डब्ल्यू मतलब राइट वंस और सी डी बोलते हैं कंपैक्ट डिस्क एक्सटेंडेड आर्किटेक्चर एक्सटेंडेड आर्किटेक्चर सी डी ए ठीक है बिल्कुल ऐप पर मिलेगी सुनीता धारीवाल 24 घंटे में अपलोड होती है जो YouTube पर होती है एप्लीकेशन बजाने में 24 घंटे लगती हो जाएगी कैलेंडर बस दो तीन दिन और वेट कर लिए दो दिन में आ जाएगा हम अब आगे आते हैं टी जी आई बी आई एन टीजीआई क्या होता है कॉमन गेट वे इंटरफेस और बी आई एन से क्या होता है बाइनरी बस बाइनरी कॉमन जो है गेटवे इंटरफेस और बी आई एन ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट आप भी उसे ये जो है ऐप पर डलवा देंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट आप भी उसे आप इसको देख लीजिएगा ठीक है इसको देख लीजिएगा जरूर आ जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन है जो कंप्यूटर से रिलेटेड लेकर आए हैं हम डब्ल्यू एल ए एन वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क डब्ल्यू एम एल क्या है वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज डब्ल्यू 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 है वर्ल्ड वाइड वेब कौन नहीं जानता डब्ल्यू 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 को वर्ल्ड वाइड वेब ठीक है एक्स क्या होता है एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे होता है एक्स जीए और ये एक्स आप लोगों ने देखा एस टी एम एल तो होता ही है हाइपर टेक्स मार्कअप लैंग्वेज उसमें एक्स लग गया तो एक्सटेंडेबल एक्सटेंसिबल एक्सटेंशिबल हो गया बस ऐप पर जाइए मिल जाएगी आलोक कुमार ऐप पर जाइए मिल जाएगी बिल्कुल मिल जाएगी अभी सारे के सारे क्वेश्चन इस पर हैं मिलेंगे क्यों नहीं मिलेंगे सर लाइव क्लास है चल रही है आपसे बात बात करते हैं हेलो हेलो ठीक है एक्स एम एफ क्या है एक्सटेंसिबल म्यूजिक फाइल एक्स म्यूजिक फाइल एक्स एम एल क्या है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज एक्स एम एस क्या है एक्सटेंडेड मेमोरी स्पेसीफिकेशन एक्सटेंडेड मेमोरी स्पेसीफिकेशन फोट्रॉन क्या होता है फार्मूला ट्रांसलेशन को बोलते हैं फोट्रॉन ये बहुत इंपॉर्टेंट है सब एग्जाम पॉइंट आप भी उसे एक भी ऐसा नहीं है एग्जाम पॉइंट आप भी उसे इंपॉर्टेंट ना हो और फिर से आप लोग मुझे लगता है सो गए कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है ये सही है गलत है हाँ सर सुन रहे हैं कुछ नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें सिर्फ ग्यारह बजे से आप लोगों ने खड़ा कर दिया दो ढाई तीन घंटे के लिए और बोलेंगे कुछ नहीं और हमें लगेगा कोई सुन भी रहा है सब चले गए सब बढ़िया बढ़िया रजाही घूस के पकौड़ी चाय खा रहे होंगे और हमको जो है यहाँ पर खड़ा कर दिए ठीक है आप लोग कुछ ना कुछ जो है ज़रूर बताइए ज़रूर बोलिए कहाँ चले गए सब लोग ये फ़ोन अटेंड कर लेना ये आ रहा है ठीक आगे बढ़ते हैं हम्म अब आगे बढ़ते हैं एबीएम एंटी बैलिस्टिक मिसाइल एबीएम ए एफ एस पी ए आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट ए एल एच क्या है आप सभी जानते हैं एक्सक्यूज मी हेलो सर नमस्कार लाइव क्लास चल रही है सर इसीलिए उठा नहीं रहे लाइव क्लास चल रही है एक डेढ़ घंटा हो गया ठीक ठीक जो है एएलएच एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर एएलएच आप सभी लोग जानते हैं अपने यहाँ ध्रुव वगैरह हैं एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर हैं एआर क्या है असम राइफल्स ए सैट यानी एंटी सेटेलाइट एंटी सेटेलाइटन लिखा है ए सैट एंटी सेटेलाइट और डब्ल्यू लग जाएगा तो बेपन हो जाएगा ए एस एल बी अगमेंटेड सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल जैसे पी एस एल बी होती है पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल उसी तरह से होती है अगमेंटेड सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल देखिए राजीव कुमार ने हमारी बात का बुरा नहीं माना राजीव कुमार ने जो है अभी मैंने कुछ थोड़े से सख्त शब्द बोल दिए थे लेकिन ये मौजूद हैं और हैं अच्छा लगा मुझे कि आपने जो है कोई इस पर गौर नहीं किया कभी कभार जो है थोड़ा सा बोलना पड़ जाता है और कोई बात नहीं आप अच्छे आदमी हैं बी आर ओ बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन बी आर ओ बी एस एफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स टी आर पी एफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स आगे आते हैं इस पर भी चर्चा होती है डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीएफडीआर डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर डिजिटल एफडीआर याद कर लीजिए डी आगे लगा दिए एफडीआर होता है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर हम लोग इस पर काम कर चुके हैं तो इसलिए भूलता नहीं है ये ठीक है तो अगर जो लिख रहे हैं तो थोड़ा छोटा कर देता हूं कोई बात नहीं हम्म थैंक यू निशांत सिंह डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर एफ बी क्या है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ठीक है फिर फ्लैग क्या होता है फाइबर ऑप्टिक लिंक अराउंड द ग्लोब फ्लैग होता है फाइबर ऑप्टिक लिंक अराउंड द ग्लोब जो है ये होता है फ्लैग ठीक है फिर आ गया ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम आज की क्लास थोड़ी सी बड़ी इसलिए है मैंने बोला था कि एग्जाम से पहले एक मैराथन लाऊंगा जिसमें लगभग सब चीज़ कवर रहेगी हिंदी भी कवर रहेगी मैथ भी रहेगा एब्रीविएसन भी रहेगा पुस्तकों के नाम भी रहेंगे हिंदी टू इंग्लिस इंग्लिश हिंदी भी रहेगा सब कुछ कॉमन रहेगा ये एक ए की लंबी क्लास जिसमें आरओ को भी फायदा हो ऐसी क्लास लाने के लिए हमने पहले ही कहा था और आज वो क्लास लेकर आए हैं आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग सुन रहे हैं लेकिन कुछ संख्या घट रही है यहां दिख रहा है क्योंकि कुछ लोगों को लग रहा है एब्रीवियशन तो ऐसे ही चलता है जीएसएलबी जियो संक्र सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जियो संक्र सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आईएईए इंटरनेशनल ऑटामिक एनर्जी एजेंसी आईसीएओ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन आईसीएओ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन फिर एल यानी लाइन ऑफ कंट्रोल सभी लोग जानते हैं और एल क्या होता है भाई एलएसी क्या होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल होता है एल और यल सी होता है आपका यल सी होता है लाइन ऑफ कंट्रोल एम मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम ये अच्छा क्वेश्चन है ये अच्छा है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम ठीक अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अब आते हैं सीधा मैथ्स पर और मैथ्स के क्वेश्चन आप लोगों को हमने कराए पहले देखे जो ना कराएं उसे कराएं या पहले इसी एक तरफ से ही करा दे तो ठीक रहेगा मैं देख लेता हूं कितने क्वेश्चन कराने हैं कितने नहीं कराने हैं मुझे लगता है कि उसको रिवीजन करते हुए चले तो ज़्यादा बेहतर है काँपी पेन लेकर बैठ जाइए मैथ के क्वेश्चन फौरन कीजिए काँपी पेन पै... काँपी पेन लेकर बैठ जाइए तुरंत मैथ के क्वेश्चन आ गए हैं करिए फटाफट में आप सब लोगों को देता हूं क्वेश्चन करने को फौरन करिए बिना देर किए हुए बिना देर किए हुए करिए चलिए पहले ही क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं भागने नहीं देंगे या यहां से करा दें जहां से पहले फिर बाद में लौट कराएं एक मिनट मुझे टाइम दीजिए थोड़ा मैं सोच लूं कि पहले कहां से कराऊं क्योंकि आप सब लोगों को करा तो हम चुके ही हैं देख ले पहले चलो स्टार्टिंग से ही करते हैं तो ठीक रहेगा नहीं तो आप कुछ काफी लोग तो कर चुके हैं क्वेश्चन उनको लगेगा कि दोबारा हो रहा है लेकिन मैं कराऊंगा शुरू से ही कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और सेकेंड में आंसर कीजिए और जिन लोगों ने ये क्लास पहले देखी है कुछ इसमें से मैथ के कुछ क्वेश्चन पहले हम करा चुके हैं तो जिन लोगों ने करा है वो देर नहीं करेंगे ठीक है वो देर नहीं करेंगे तुरंत काम करेंगे और मैथ की क्लास सब कुछ है भाई हिंदी भी पढ़ो एब्रिविएशन भी पढ़ो बुक पुस्तक के नाम भी पढ़ो मैथ भी पढ़ो और जो पढ़ना है पत्र लेखन भी पढ़ो जो पढ़ना है वो पढ़ो सारी क्लास एक में काम जो है हो जाएगी कंपाइल क्या कह रही रेखा वर्मा कह रहे पहले जो है पोलाइट रहते हैं फिर ओवर स्ट्रिक्ट हो जाते हैं जो है आर ओ वाले रुकेंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि उनके पास भी वहाँ से आगे चल के जो है रीजनिंग है रीजनिंग में मैथ्स काम आता है और ये जो मैं मैथ्स लेकर आया हूँ रीजनिंग जैसी ही है कर लेंगे तो अच्छा है रीजनिंग जैसा ही है बाकी आपकी मर्जी चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए एक संख्या चौवन से उतनी ही अधिक है जितनी है बयासी से कम संख्या ज्ञात कीजिए अब इसका मैं बताता हूं मान लीजिए वह संख्या है यक्स अब जो कह रहा है वही करते जाइए आप वही करते जाइए जो है ठीक है तो एक संख्या कोई है वो चौवन से उतनी ही अधिक है चौवन से ज्यादा है यानी उसमें से उस संख्या में से चौवन माइनस कर लीजिए फिर वही संख्या उतनी ही जितना कि बयासी से कम चौवन से उतना ही ज्यादा है वो संख्या चौवन से उतना ही ज्यादा है यानी उस संख्या से अगर चौवन माइनस करेंगे और और सेम संख्या को वो बयासी से उतना ही कम है यानी बयासी से वही संख्या माइनस कर लेंगे तो बराबर आएगा बस हो गया काम इसको इधर ले आइए क्या फर्क पड़ता है इधर इधर जोड़ लीजिए हम्म चौवन से उतनी अधिक है जितनी बयासी से कम हो गया काम ले आइए इधर यक्स प्लस यक्स यानी टू यक्स हो जाया और 82 टू प्लस फिफ्टी और हो गया 54 ही तो है देख लेते हैं नहीं तो गड़बड़ हो जाए ये हो गया 136 थर्टी सिक्स टू यू हो गया 136 थर्टी टू हो गया एट इज द नंबर और सिक्सटी इज द नंबर महेंद्र कुमार ने बताया है और पुनीत रंजन पांडे जी ने भी बताया है तो इस तरह मैथ्स हो गया अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग जल्दी करना पड़ेगा गड़बड़ा जाएगा किसी संख्या के 60 परसेंट में 40 जोड़ने पर संख्या का 80 परसेंट प्राप्त होता है वो संख्या बद क्या है देखो भैया एलिमेंट्री मैथ ही पूछी जाएगी आपके यहाँ एलिमेंट्री यानी प्रारंभिक गणित प्रारंभिक गणित अप टू द स्टैंडर्ड ऑफ एट ये साफ साफ आपके सिलेबस में लिखा हुआ है आदित्य पांडे कह रहे हैं मैथ्स में डब्बा गोल कहां डब्बा गोल यार कितना बड़ा मैथ है आदित्य पांडे भाई क्या बात करते हो यार इतना बड़ा डब्बा गोल थोड़ी है इतना जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं छोटे छोटे क्वेश्चन है आपका रेंट बागुलिस अस्सी परसेंट प्राप्त होता है यानी इसी संख्या का अस्सी परसेंट यानी एट्टी बाई हंड्रेड सॉल्व कर लो काम खत्म हो गया खत्म क्या करना है यार अब देखो ये हो जाएगा सिक्सटी इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर लो सिक्सटी और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा इधर से प्लस 100 इनटू 40 अपान 100 ये तो जानते हैं ना क्रॉस मल्टीप्लाई होके नीचे आ जाता है इक्वल टू 80 एक्स बाय 100 और दोनों के डिवाइड में नीचे 100 100 है तो इसको छोड़ सकते हैं छोड़ दिया हमने अब जो है 100 इनटू 40 यानी आप कर लीजिए इसको इ फोर थाउजेंड इक्वल टू एटी एक्स माइनस ये वाला लेके चले जाओ 60x ट्वेंटी एक्स इक्वल टू हो गया फोर थाउजेंड और एक कितना हो जाएगा इधर ट्वेंटी हटा के और इसके नीचे कर दो ट्वेंटी ट्वेंटी टू जा फोर्टी और दो सौ आ गया ये क्या दिक्कत है भाई इसमें है बताइए क्या ही कोई दिक्कत है कोई दिक्कत दिख रही है नहीं तो क्या समस्या है निपेंद्र सिंह ने तुरंत बता दिया पुनीत रंजन पांडे ने बता दिया हो गया काम आगे बढ़िए सारे सब्जेक्ट एक साथ पढ़ो सारे सब्जेक्ट सब आता है एग्जाम में भी और हम सब आपको पढ़ाएंगे भी चलिए इसको बताइए दो आम गिविंग ट्वेंटी सेकेंड्स बीस सेकंड, सेकंड देर आऊ करके बताइए फौरन बताइए चलिए बताइए फौरन देर मत कीजिए बताइए आप लोग देर नहीं चलिए बताइए चलिए आंसर आया कि नहीं मैं करता हूं एक संख्या का का तीन चौथाई एक संख्या का तीन चौथाई यानी मान लीजिए संख्या तो उसका तीन चौथाई और उसका दो बटे पांच यानी उसका भी दो बटे पांच कर दिया संख्या का तीन चौथाई का दो बटे पांच का लगाओ मल्टीप्लाई करो दो बटे पांच दो सौ चार हो जाता है संख्या बताओ अरे कुछ नहीं करना है भाई यक्स की ये दोनों जो नीचे है ये इधर चले जाएंगे टू जीरो फोर ये क्रॉस मल्टीप्लाई ये फोर इंटू फाइव जो है ऊपर चला जाएगा फोर और फाइव और जो ऊपर वाले हैं नीचे चले आएंगे थ्री इंटू टू हो गया काम टू टू जा फोर और थ्री से इसको काटो कट जाएगा थ्री सिक्स जा एटीन और थ्री एट जा ट्वेंटी फोर एटीन हाँ थ्री सिक्स जा एटीन और टू ट्वेंटी थ्री एट जा सिक्सटी एट और जो है ये पांच से पांच दूना ये पांच और दो दस हो जाएगा और सिक्स एट इंटू टेन सिक्स एट इंटू टेन इजल टू सिक्स एट जीरो हो गया काम हो गया काम बस इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए बस हो गया चलिए समझ में आया हो तो देख लीजिए अभी कोई दिक्कत नहीं है किसी को ना आया हो तो बताइएगा सुनीता धारीवाल बीरेन्द्र कुमार महेंद्र कुमार अजय सालनी सब लोग पुनीत निपेंद्र आशीष चलिए आगे देखते हैं ये भी क्वेश्चन करते हैं दो अंकों से बनी संख्या अपने अंकों के योग का सात गुना है अंक पलटने से प्राप्त मूल संख्या अठारह से कम है वो संख्या बताए इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने एक दिन एक उपाय बताया था सुनीता धारीवाल मैथ्स में चार क्वेश्चन आने की संभावना है इजी इजी क्वेश्चन रहेंगे चार क्वेश्चन अगर कर ले जाएंगे तो बड़ी आसानी से काम हो जाएगा फिर आते हैं दो अंकों से एक बनी संख्या देखिए भाई मैंने उस दिन भी बताया था आज फिर बता दे रहा हूं जब भी इस टाइप के प्रश्न आए दो अंकों की बनी संख्या मान लीजिए उनके अंक x और y हैं एक अंक मान लीजिए दहाई का अंक दहाई का यानी टेंथ प्लेस का अंक x है और इकाई का अंक y है तो इस संख्या को इस तरह नहीं रिप्रेजेंट करते इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं टेन एक्स प्लस वाई टेन एक्स प्लस वाई क्योंकि जो दहाई के प्लेस पर है टेंथ प्लेस पर है उसको टेन से मल्टीप्लाई करो और उसमें प्लस वाई लिखो इस तरह से लिख करके जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो सही हो जाएगा क्यों सही हो कैसे सही हो जाएगा जैसे आपको मैं उदाहरण देता हूं मान लीजिए दहाई के अंक पे है पांच और और जो है इकाई के अंक पर है छप्पन तो क्या हम इसको टेन इंटू फाइव प्लस सिक्स नहीं लिख सकते लिख सकते हैं टेन इंटू फाइव यानी फिफ्टी प्लस सिक्स फिफ्टी सिक्स हो गया कि नहीं हो गया तो इस तरह से जब ये इस टाइप के क्वेश्चन आए तो इस यहां पर इस तरह रिप्रेजेंट करके चलोगे काम बन जाएगा अगर ऐसा नहीं करोगे तो सही नहीं होगा जब इस टाइप के क्वेश्चन आए दो अंकों से बनी संख्या को अंक पलट देने से तो इस टाइप से स्टार्ट करोगे आप अब अब देख लीजिए जल्दी जल्दी अब आपको आ जाएगा जो लोग जिन लोगों ने जिन लोगों ने पहले इस क्वेश्चन को किया है वो तेजी से करें और नहीं तो मैं बताता हूं कि कैसे होता है जिन लोगों ने पहले किया है वो आ जाएं जिन लोगों ने जल्दी करें जिन लोगों ने नहीं किया है वो थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं देखिए क्या लिखा है दो अंकों से एक बनी संख्या अपने अंकों के योग का सात गुना है दो अंकों की बनी संख्या मान लो दहाई का अंक है यक्स और इकाई का अंक है वाई कह रहा अब दो अंकों से बनी संख्या अपने अंकों का योग के सात गुना है तो संख्या क्या है टेन एक्स प्लस वाई अपने अंकों का योग अंक का योग क्या है यक्स प्लस वाई ये अंक है इसका योग का सात गुना है तो यहां से एक इक्वेशन बन गया आपका एक इक्वेशन यहां से बन गया अब इसको कर लीजिए टेन एक्स प्लस टेन वाई सॉरी वाई टेन एक्स प्लस वाई इक्वल टू सेवन एक्स प्लस सेवन वाई अब इधर ले लीजिए इसको यहाँ पर टेन एक्स माइनस सेवन एक्स इक्वल टू सेवन वाई माइनस वाई यानि थ्री एक्स इक्वल टू सिक्स वाई एक्स इक्वल टू टू वाई एक आपको फार्मूला मिल गया यहां यहाँ एक जो है आपको इक्वेशन मिल गया यहाँ से सिक्सटी थ्री आंसर आप लोगों ने कर ही दिया है मुझे लगता है कि काफी लोगों ने आंसर कर दिया है ठीक है अब अगला क्वेश्चन कहता है इसी में अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से अठारह कम है अंक को पलट दिया यानी वाई कर दिया आगे और इसको कर दिया पीछे तो क्या हो जाएगी संख्या टेन वाई प्लस एक्स अंक को पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से अठारह कम है जो ये वाली संख्या ये वाली संख्या जो है ये वाली मूल संख्या यानी टेन एक्स प्लस वाई से ये वाली 18 कम हो गई ये वाली संख्या कम हो गई 18 कितना कम हो गई 18 कम हो गई अंकों के पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम है तो मूल संख्या से 18 ये वाली कम है यानी इसमें से अगर 18 हम माइनस कर दें तो बराबर हो जाएगी अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से अठारह कम है तो वो संख्या क्या है तो अंक को पलटने से जो है प्राप्त संख्या मूल संख्या से अठारह मूल संख्या थी तो ये वाली कम है तो इसमें से माइनस कर दो तो दोनों बराबर हो जाएगी अब काम आगे हम लोग कर लेते हैं टेन वाई प्लस एक्स इक्वल टू टेन एक्स प्लस वाई टेन एक्स प्लस वाई माइनस एटीन यानी अब इसको चाहे इधर ले आइए टेन वाई इधर ले आओ माइनस वाई इक्वल टू टेन एक्स माइनस एक्स ये एक्स इधर चला इस तरह इस तरह कर लो एक्स इधर ही ले आओ तो ज़्यादा ठीक रहेगा एक्स इधर ले आते हैं जो है यहाँ पर एक्स रहने दीजिए एक्स और इधर ले आइए एक टेन एक्स माइनस टेन एक्स हो जाएगा इक्वल टू वाई इधर ले जाओ वाई इधर ले जाओ तो इजल टू वाई माइनस टेन वाई और माइनस एटीन इस तरह से ले लीजिए तो क्या बन गया है आपका माइनस नाइन एक्स माइनस नाइन एक्स माइनस नाइन इक्वल टू माइनस नाइन वाई और इधर माइनस एटीन अब जो है एक बात देख लीजिए तो सब का माइनस हटा दो जो सब माइनस है दोनों तरफ सब माइनस हटा दो तो यानी और सब में हो जाएगा नाइन एक्स इक्वल टू एटीन सॉरी जो है प्लस एटीन अब इस तरह इसको इधर ले आओ नाइन एक्स माइनस नाइन वाईक्वल टू एटीन अब नाइन दो नाइन से डिवाइड कर दो तो नाइन से डिवाइड कर दीजिए क्या फर्क पड़ता है तो नाइन से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा X, इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस वाई इक्वल टू आपका हो जाएगा इक्वल टू यहां सॉरी इक्वल टू एटीन है ये इक्वल टू नाइन टू 18. माइनस वाई इज इक्वल टू टू स माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा टू और x इक्वल टू टू आई रख दीजिए यहां पर या एक टू आई रख के देख लीजिए तो टू आई माइनस वाई इक्वल टू टू ठीक है यानी ये हो जाएगा y इक्वल टू हो जाएगा आपका टू आई माइनस वाई इक्वल टू टू अब x इक्वल टू हो जाएगा टू वाई यानी टू इंटू टू यानी फोर संख्या हो गई आपकी ये सॉरी टू तो संख्या यहाँ हो गई आपकी फोर्टी टू संख्या हो गई फोर्टी टू तो जिनका फोर्टी टू आ रहा है अगर मैंने गलत नहीं किया हुआ है हम्म तो फोर्टी टू शुड बी दंसर फोर्टी टू आंसर होना चाहिए देख लीजिएगा अगर कहीं कुछ गड़बड़ हुआ देखिए जैसे ही थोड़ा सा लेंगदी क्वेश्चन आया कठिन क्वेश्चन आया सात लोग भाग लिए यहां दिखता रहता है यहां दिखता रहता है कितने लोग भागे हैं मैं पिछले डेढ़ घंटे से खड़ा हूं मैं नहीं भागा हूं हर टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूं जैसे ही कठिन क्वेश्चन आया फ्लाइट मार गए चलिए यह भी क्वेश्चन हमने कराया हुआ है आप लोग इसको कर सकते हैं अगर आप लोग इंटरेस्टेड नहीं तो हमने छोड़ करके आगे बढ़ सकते हैं चलिए ठीक है अब इसको आप ये संख्या पद्धति से है छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे चलिए क्वेश्चन करिए कोई लेंगदी नहीं है राजीव कुमार कुछ लेंगदी नहीं है मैं समझाने के लिए बोला हूं नहीं तो दस सेकंड में वो बारह सेकंड में क्वेश्चन निकल जाता है वो लेकिन आप समझाए नहीं अगर क्योंकि तो दिक्कत हो जाएगी लेंगदिन नहीं था वो ऐसे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होते हैं वो पहले से ही पता होता है इसमें एक्स माइनस वाई इजल टू इतना आएगा जब पलटेंगे तो इधर नाइन फिर वो भी नाइन उधर वो आएगा वो सब पता चलता है पहले से क्लियर रहता है नाइन से दोनों तरफ डिवाइड करना रहता है सब क्लियर रहता है लेकिन हम चूंकि अब बेसिक से नहीं चलेंगे तो हवा में उड़ेगा फिर हम अपना बैंक पी वाला मेथड लगाएंगे तो हवा में उड़ेगा फिर जो है दिक्कत हो जाएगी और हम समझ फिर आप समझ नहीं आएगा टाइम एंड वर्क से भी ले लेते हैं सुनीता धारीवाल आना नहीं चाहिए आ जाएगा तो उसको भी बता देते हैं क्या दिक्कत है जो है उसको भी करा देंगे किसी भिन्न के अंश और हर में यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में प्रत्येक में से एक जोड़ने पर दो बटे तीन प्राप्त होता है तो यानी कोई भिन्न है ले लीजिए x जो है आपका ट्रिक बताएंगे राजीव तो ट्रिक ही याद करते रह जाएंगे क्लास में सभी उसको कैच नहीं कर पाएंगे ट्रिकी क्वेश्चन की जरूरत नहीं है इलिमेंट्री मेथड है मैंने शायद आपने पहले क्लास नहीं लिए मैंने कहा क्वेश्चन वही करिए बेसिक मेथड से जो बचपन से आपने सीखते आए हैं ट्रिक वहां इस्तेमाल करते जहां समय की बहुत कमी हो जैसे बैंक पीओ में एक क्वेश्चन के लिए छत्तीस क्वेश्चन छत्तीस सेकंड मिलते थे यहां ट्रिक ही भूल जाएंगे सारा क्वेश्चन डूब जाएगा बेसिक टेक्निक अपनाइए बेसिक मान ली किसी भिन्न के अंश और हर में यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में प्रत्येक में से एक जोड़ने पर इनमें दोनों में एक जोड़ दो भाई इनमें दोनों में एक जोड़ दो और मिल गया दो बटे तीन दूसरा क्या कह रहा है भिन्न के अंश और हर में से एक घटाने पर एक बटे दो मिलता है एक घटा लो भाई एक इसमें से घटा लो तो मिलता है एक बटे दो अब इन दोनों को सॉल्व कर लो हो जाएगा दो इक्वेशन बनेंगे साल्व हो जाएगा कैसे साल्व होगा चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो थ्री एक्स थ्री एक्स प्लस थ्री इक्वल टू हो जाएगा टू वाई प्लस टू थ्री एक्स प्लस थ्री अब इसको इधर ले लीजिए थ्री एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू टू माइनस थ्री अब टू माइनस थ्री लिखने क्या जरूरत है थ्री इधर ले गए माइनस वन लिख लीजिए सीधे इक्वल टू माइनस वन सीधा एक इक्वेशन यहां बन गया एक टू एक्स माइनस टू इक्वल टू वाई माइनस वन इधर ले लेते हैं टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस वन प्लस टू माइनस वन प्लस टू यानी वन यानी टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू वन अब यहां लिख लीजिए टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू हो गया आपका वन ये इक्वेशन नंबर टू और इसको दो से मल्टीप्लाई कर लीजिए क्योंकि टू आई टू आई कंप्लीट करना है तो दो से दूसरे इक्वेशन में दो से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ हो गया काम साइन चेंज कर दीजिए ये प्लस ये माइनस ये कट गया टू आई टू आई अब ये बच गया आपका थ्री एक्स माइनस फोर एक्स इक्वल टू माइनस वन और माइनस टू यानी माइनस थ्री यानी माइनस एकवल टू माइनस थ्री एक्स इक्वल टू थ्री एक्स की जगह आ गया थ्री शाम को शाम को बहुत देर हो जाती है अंकित प्रताप इसे बहुत लंबी क्लास का टाइम नहीं मिल पाता यार शाम को आरो की भी क्लास रहेगी तो दिक्कत हो जाती है दोस्त आप इसको देख लीजिएगा सब क्लियर हो जाएगा और अब यहां पर एक इक्वेशन ये है इसी में इसकी वैल्यू रख दीजिए तो टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू है वन अब इसकी वैल्यू यहां पर रख दीजिए एक्स की तो थ्री टू जा सिक्स टू इंटू थ्री माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका वन यानी सिक्स माइनस वाई इक्वल टू वन यानी वाई इक्वल टू जो माइनस वाई इक्वल टू वन माइनस सिक्स यानी वाई इक्वल टू फाइव दोनों तरफ माइनस हट जाएगा तो x आ गया थ्री और वाई आ गया फाइव यानी आपका भिन्न हो गया यानी आपका जो है थ्री अपान फाइव इज द आंसर ये आपका आंसर आ गया कर लिया पुनीत रंजन पांडे ने वन वन पॉइं वन बाई थ्री कर दिया और हम उनसे सहमत नहीं हैं हम आपसे सहमत नहीं हैं पुनीत रंजन पांडे इसका आंसर होगा थ्री बाई फाइव जहां आपकी गलती है उसको करेक्ट कर लीजिएगा और हम लोग आगे बढ़ते हैं ये रिपीटेड क्वेश्चन है आ, अब आ गए भाई यहां पर ये भी क्वेश्चन हमने उस दिन कराया था ये भी क्वेश्चन कराया था और आप इसको कर सकते हैं अगर आप इसको करना चाहें तो कर सकते हैं क्वेश्चन को कैसे करेंगे समीना और सुहाना की आयु का अनुपात सात अनुपात तीन है समीना और सुहाना की आयु का अनुपात सात अनुपात तीन है छह वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात पाँच तीन होगा तो इनकी आयु में कितना अंतर है ये आपको देखना है अंकित समझ गए जो समझ रहे हैं इसको तो रिपीट करके देख लीजिएगा यार मैं समझता हूं आपकी प्रॉब्लम आप ऑफिस में होंगे मेरी छुट्टी थी तो मैं अपना जो है चल पड़ा है ना समीकरणों में ऐड अच्छा बेसिक समीकरणों में ऐड ऐसे होता है जो है नीति दो समीकरण है मान लीजिए आपके पास एक है टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू मान लीजिए फाइव और दूसरा समीकरण आपके पास है थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल टू सिक्स कुछ नहीं करना है मान लीजिए इसको थोड़ा सा यहाँ पर सीधा सीधा कर लीजिए ये माइनस में ये प्लस में ऐड कर लेंगे सीधा ये कट जाएगा इसे इसको इसको ऐड कर लीजिए फाइव एक्स इक्वल टू सिक्स और फाइव इलेवन एक्स इक्वल टू इलेवन बाई फाइव ये ऐसे ऐड होता है बाकी और चीज़ें बाद में बताएंगे यहाँ पर अभी समीकरणों का चर्चा डिटेल में नहीं हो पाएगी क्योंकि तो क्वेश्चन कराने हैं ज़्यादा अब ऑलरेडी मुझे डेढ़ घंटे से ऊपर क्लास हो गई है अभी बहुत क्वेश्चन बचे हुए मुझे कराना है ठीक है अब यहां करें जैसे अनुपात की बात होती है तो मान लीजिए समीना और सुहाना की आयु का अनुपात सेवन एक्स और थ्री एक्स है अनुपात का मतलब समथिंग इन कॉमन समथिंग इज कॉमन इन बिटवीन दोनों में कोई कॉमन है वो हटा दिया गया अनुपात बन गया तो यानी इनकी एक्चुअल एक्चुअल जो आयु क्या है समीना की समीना समीना और सुहाना इसमें दो लोग हैं इनकी हो जाएगी सेवन एक्स मान लिया जाए क्योंकि एक्स मान लो इसमें कॉमन था सुहाना की हो जाएगी थ्री एक्स अब कह रहे हैं छह वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात इतना होगा तो छह वर्ष बाद तो इनकी छह वर्ष बाद क्या होगा भाई पहले तो इनकी आयु का अनुपात लिख लो ये ऐसे लिख लो छ वर्ष बाद इनमें भी जोड़ दो छह वर्ष बाद भाई छह साल इनमें भी जुड़ जाएगा और छह वर्ष बाद इनमें भी छोड़ इनकी आयु का अनुपात हो जाएगा फाइव बाई थ्री तो इनकी आयु का जो है अंतर ढूंढना है अब देखिए अभी जो गलती करेंगे लोग हम बताते हैं क्लास मल्टीप्लाई करिए थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन एक्स प्लस एटीन इक्वल टू फाइव थ्री जा फिफ्टीन एक्स प्लस थर्टी अब इधर माइनस कर लीजिए इसको ट्वेंटी वन एक्स माइनस फिफ्टीन एक्स इक्वल टू थर्टी इधर ही रहने दीजिए एटीन इधर लेकर चले जाइए ये माइनस में चला जाएगा यानी आपका हो जाएगा सिक्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा ट्वेल्व x इक्वल टू हो जाएगा टू x की वैल्यू आ गई आपकी टू x की वैल्यू आ गई टू अब एक बात देखिए इनकी वर्तमान आयु कितनी है समीना की तो सेवन इंटू एक्स की वैल्यू रख दो टू फोरटीन इनकी थ्री इंटू टू यानी इनकी हो गई सिक्स तो फोर्टीन में से सिक्स वर्तमान आयु का अंतर निकाल लेंगे तो फोर्टीन में से सिक्स गया एट ईयर तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं ठीक है हो जाएगा सुनीता धारीवाल ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे देखिएगा इससे बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे आप परेशान मत होइएगा अभी क्वेश्चन करवा दे रहे हैं हर टाइप के क्वेश्चन हम करवाने के लिए तैयार हैं सब करवा देंगे ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे इससे बड़े नहीं आएंगे अब एक क्वेश्चन यहां भी था पहले उस दिन भी कराया था आज भी करा दे रहे हैं तो अगर आप लोग चाहें तो करवाएं या कुछ दूसरे टाइप के क्वेश्चन पर बढ़ जाएं हम आगे जैसा आप लोग कहें हम्म सुनीता धारीवाल जी कह रही हैं बहुत स्ट्रगल कर लिया जीवन में सुनीता धारीवाल जी यू आर नॉट द वनली वन हैज स्ट्रगल इन हिज इन हर लाइफ और हर इज लाइफ इज स्ट्रगल इन हिज लाइफ या हर लाइफ हर कोई संघर्ष कर रहा है आपको जो है ऐसा लग रहा है कि हमने संघर्ष किया है संघर्ष हर कोई करता है और हर कोई कर भी रहा है आल सेवन डेज मैं आपके साथ हूँ पाँच दिन ऑफिस के बाद उसके बाद दो दिन इधर कौन नहीं करा या आपके जितने साथी यहाँ स्क्रीन पर दिख रहे हैं इनके जीवन का स्ट्रगल जान लेंगे तो आप घबरा जाएंगे जो है ठीक है सबका सबके जीवन में जो है स्ट्रगल है सभी लोग परेशान है प्रजापति चलिए आगे बढ़ते हैं एक क्वेश्चन आगे देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से चार गुना ज्यादा है तो जिसकी आयु से कंपेयर किया जाता है उसकी आयु को मान लिया जाता है राहुल की मान लो भाई राहुल की आयु मान ली जाए राहुल हो गए एक्स अब रमेश की आयु यानी रमेश की आयु कितनी हो जाएगी राहुल की हो गई एक्स तो रमेश कितनी हो गई रमेश की, रमेश की हो गई चार गुना यानी चार एक्स अब कह रहे हैं पांच वर्ष पूर्व पांच वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु की गुनी थी पांच वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की पहले की से नौ गुना थी रमेश की वर्तमान आयु क्या है तो पांच वर्ष पूर्व रमेश का लिख लो भाई फोर एक्स माइनस फाइव अब लिख लो राहुल की पांच वर्ष पूर्व कितनी रही होगी एक्स माइनस फाइव अब कह रहे हैं कि जो राहुल रमेश की आयु थी राहुल की पांच गुन आ, नौ गुनी थी यानी इसके बराबर गुनी पांच वर्ष ये, ये, इसके नौ गुणी के बराबर अब इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए हो गया काम बस यक्स की वैल्यू निकाल लीजिए और जहां रखना और रमेश की आयु में फोर इंटू यक्स कर दीजिएगा आ जाएगा बस आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन को आगे करते हैं ये उसी टाइप का क्वेश्चन है इसको नहीं कराएंगे अब थोड़ा नए टाइप के क्वेश्चन कराएंगे ये थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे रमेश रेलगाड़ी वाला भी हम लोग इसको देख लेते हैं ये साथ करा चुके हैं हम एक क्वेश्चन इसमें से करा दे रहे हैं एक क्वेश्चन इसमें से हम करा दे रहे हैं आप लोग देख लीजिएगा ठीक है आप सभी लोग जानते हैं रेलगाड़ी में खंभे को पार करने में लगा समय वही होता है जो रेलगाड़ी जो है जो अपनी लंबाई होती है ये मान लीजिए एक पोल है ये पोल है ठीक है यहाँ दोनों तरफ लाइटें लगी हुई हैं बढ़िया बढ़िया ये रेलगाड़ी है यहाँ पर इसका इंजन है ड्राइवर साहब बैठे हैं यहाँ पर ये धुआं निकल रहा है चलिए इधर से जा रही है ढेर सारे पहिए इसमें है बहत्तर किलोमीटर प्रति घंटे चाल से 60 मीटर है। जब कोई बिजली के खंभे को या किसी व्यक्ति को पार करती है तो रेलगाड़ी केवल अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है और कुछ नहीं करना होता बस इतनी बात समझ लीजिए ये किलोमीटर प्रति घंटा में है और ये मीटर में है तो इसको आप बना लीजिएगा चाल को चाल हो जाएगी आपका सेवेंटी टू सेवेंटी टू इंटू फाइव बाई एटीन पाँच बटे अठारह से जब आप गुणा कर लेते हैं तो मीटर पर सेकंड में आ जाता है एटीन फोर या सेवेंटी टू यानी ट्वेंटी मीटर पर सेकंड ट्वेंटी मीटर पर सेकंड अब जो है आपको समय बताना है यानी टाइम बताना है टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी दूरी बटे चाल तो दूरी आपकी है कितनी दूरी जितनी लंबी रेलगाड़ी वही दूरी तो साठ मीटर की लंबी रेलगाड़ी है साठ बटे बीस यानी तीन सेकेंड लगेगा ये क्वेश्चन भी आप सभी लोग जानते हैं इसमें कुछ नया नहीं है इसको आगे कराया जाएगा चल चलिए आगे बढ़ते हैं नाव और नदी की धारा वाला क्वेश्चन है आगे चलिए इस क्लास को अभी जो है यहीं पर एंड करते हैं और एक और क्लास लेनी पड़ेगी मैथ की क्योंकि बिना मैथ की एक और क्लास लिए काम बनेगा नहीं कंटिन्यूस क्लास में हो नहीं पाएगा तो जो है इसको ब्रेक करके एक क्लास और लेंगे सम्भवतः जो है आपके एग्ज़ाम से पहले पहले कल परसों में जब भी टाइम मिलेगा तो एक क्लास मैथ की और लेंगे क्योंकि इतनी लंबी क्लास तो चल जाएगी चार घंटे तो हम लोग जो है इस क्लास को यहीं पर एंड करके फिर से स्टार्ट करेंगे ठीक है क्योंकि इससे क्वेश्चन छूट रहे हैं जल्दबाजी में क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा तो आप लोग वेट करिएगा आगे क्वेश्चन किया जाएगा ठीक है एक क्वेश्चन आपके सामने इसको चाहे तो देख लीजिए ये वही क्वेश्चन है जैसे इतना तो आप सभी लोग जानते हैं ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन यानी दो अगर सेम जो है आपके सेम आपके जो भी यहां पर लिखा है करेक्टर है और उसकी कुछ भी पावर होती है मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों आपस में ऐड हो जाती है ये पावर एम प्लस ये आप लोग सभी लोग जानते हैं सबको पता है यानी अगर सेम क्वांटिटी में कोई भी पावर होती है मल्टीप्लाई में होता है तो उसकी पावर ऐड हो जाती है उसकी पावर ऐड हो जाती है ये आप सभी लोग जानते हैं सब लोग जानते हैं होती है कि नहीं होती हो जाती है ठीक है तो यही क्वेश्चन है यहां पर यहां पर सेम क्वांटिटी है थ्री बाई फाइव थ्री बाई फाइव तो थ्री बाई फाइव की पावर थ्री माइनस सिक्स एड हो गई है दोनों इक्वल टू अब थ्री बाई फाइव ये है कितनी टू एक्स माइनस वन अब दोनों साइड में सेम जो है चीजें हैं तो इनकी पावर भी बराबर होगी तो थ्री अपॉन फाइव की पावर माइनस टू इक्वल टू थ्री बाई फाइव की पावर टू एक्स माइनस वन यानी टू एक्स माइनस वन इक्वल टू माइनस टू हो जाएगा तो टू एक्स माइनस वन इक्वल टू माइनस टू हो जाएगा तो टू यक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस टू प्लस वन यानी माइनस वन यक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस वन बाई टू इस टाइप से वैल्यू इसकी आ जाएगी ठीक है अब अगले हिंदी और मैथ्स की जो कंबाइंड क्लास है एक और मैराथन लेनी पड़ेगी एक और मैराथन लेनी पड़ेगी ठीक है तो हम लोग इस क्लास को आगे फिर से करते हैं बाद में करेंगे और एक लंबी सी क्लास फिर एक लेंगे तब दो क्लास में जाके कंप्लीट होगा थैंक यू वेरी मच थैंक यू थैंक यू जल्दी बंद करो कचौड़ी लाए